चरण। जी बाबूजी। अरे भाई ये चोरों की तरह कहाँ चले? जी आप किसी सोच में थे इसीलिए मैंने खैरना मुनासिब न समझा। नज़्म लिख रहा था परसों की पब्लिक जलसे के लिए। कहली बाबूजी? पूरी तो नहीं हुई, चंद शेर हुए। बैठो सुनो। अधूरी नज़्म से पूरा मजमून समझ में नहीं आता बाबूजी। अकलमंद के लिए तो इशारा काफी होता है। पहला बंद अर्ज़ करता हूँ। ऐ जवानो, जिंदगी रेशम भी है तलवार की, मुस्कुराता फूल भी है और खटकता हार की, चांद सूरज की तरह ये गर्म भी है सर्द भी, अपनी आंखों का है आंसू दूसरों का दर्द भी, रास्ते में अमन की मशाल जलाने के लिए हम तो जीते हैं वतन के काम आने के लिए। नज़्म अच्छी है बाबूजी। अच्छी है क्या मतलब भाई, खुल के कहो। क्या अर्ज करूं, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। नहीं नहीं, तुम साफ साफ कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे तुम्हारी सलाहियत का भी पता चल जाएगा। बाबूजी, शायर और लीडर में फर्क होना चाहिए। हमने जो कुछ लीडरों से सुना है वही इन शेरों में। बरखुरदार, लीडर अगर कौम का दिमाग होता है तो शायर दिल, बस यही फर्क है। लेकिन दिल का हर वक्त दुखना भी तो अच्छा नहीं। वो दिल ही क्या जो दर्द से खाली हो जाए, आखिर हमारे शेर जलते हुए दिल के शोले तो हैं। जली हुई खेतियां आग से नहीं सींची जाती, सावन की बरखा से हरी होती है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूं। तुम क्या, तुम भी कुछ कहने लगे हो? जी हाँ, कुछ टूटी फूटी कह लेते हैं। कमाल है, जरूर कहो। बैठिए। सुनाओ। ये तो बढ़िया जी। अर्ज किया है, महफिल में आज तेरी दीवाने आ गए हैं लेकर, दिलो जिगर के नजराने आ गए हैं, महफिल मारा है तीर तूने दिल के करीब आकर, घायल बना दिया। बस बंद करो, ये क्या हिमाकत है? ये शेर तुम सुहन के सामने पेश कर रहे हो? मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा मजाक इस कदर गिरा हुआ होगा। लेकिन बाबूजी, इस जमाने में चलने वाले सिक्के यही हैं। घाट पत्थर चलने वाले हैं, ये क्या करेंगे? अरे अरे, ये किस बात पर तहस हो रही है बाबू? अपने लाडले की शायरी मुलाहिदा फरमाइए, दुनिया भर का कूड़ा करकट उठा लाए हैं और फरमाते हैं कि चलने वाले सिक्के हैं। ये क्या लाइयो? ये खत है आपका। शिवचरण के प्रिंसिपल का खत है, मुझे भी बुलाया है। मुझे भी कहा था। अच्छा, मैं होकर आता हूँ। हाँ हाँ जरूर। आदाब। आदाब। तशरीफ रखिए। कहिए मिजाज बखैर। आपकी दुआ। सुखन साहब, आपको शायद दिल में नहीं कि आपके बरखुरदार ने इस साल इम्तिहान के पर्चों में हर सवाल के जवाब में एक शेर फरमाया है, यानी मुलाहजा फरमाइए। इंग्लिश का पर्चा है और शेर अर्ज होता है, तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे जेंटल हार्ट को लूट लिया, तेरी जुल्फों के नेट में फंसकर मैंने नाइट स्लीपिंग छोड़ दिया। तारीख का पर्चा है और फरमाते हैं, वाह क्या खूब कलम तोड़ा है, पृथ्वी का दिल है और संजोगता का प्यार है, बस यही तारीख है बाकी तो सब बेकार। तो यह है उसके कारनामे, और मुझसे शायरी पर बहस करता है नालायक। जुग्राफिया का पर्चा है और शेर फरमाते हैं, वाह खूब, मेरे पिया का लाल कबूतर पर्वत पर्वत उड़ता है, पूछ लो उससे सारा नक्शा सांझ भय वो मुड़ता है, खूब कयामत बर्पा की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनाब, आप जो सजा चाहें उसके लिए तजवीज करें। मैं उसे सजा दे सकता हूँ, लेकिन मुनासिब यही है कि आप खुद उसे कॉलेज से हटा लीजिए, इस तरह उसका वक्त भी बचेगा, आपके पैसे भी और हमारे कॉलेज का नाम भी। मगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्रिंसिपल साहब। हमें कुछ सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना कीजिए सुखन साहब, जरा सोचिए, आखिर ये कॉलेज है, कोई नाटक कंपनी नहीं। साहबान, उड़ा दे नींद आंखों की, उड़ा दे नींद आंखों की, कहानी उसको कहते हैं जला कर खाक कर डाले जवानी उसको कहते हैं, नया रूप है नई जवानी है नई हजधज है और नई कहानी है, आइए साहबान आज रात को डायमंड थिएटर में जरूर तकरीब ले आइए, खेल का
वाला हर चेहरा भोला भाला जरूर तशरीफ लाइए। उड़ादे नींद आंखों की कहानी उसको कहते हैं, जलाकर खाक कर डाले जवानी उसको कहते हैं। मिस माला बहुत अच्छे, अरे वाह नीली छतरी वाले, बड़ी फुर्सत में बनाया इसको। चांद ओ चांद जल्दी से बाहर आ भैया, एक पूरा टुकड़ा सो ठोकर हरी पत्ती इलायची बना डाली। अरे आज का पाँव में मेहंदी लगा रखी है क्या? क्यों क्या बात है? अरे सारे शहर में आफत आई हुई है और तुम यहाँ टंगे हो? कैसी आफत? अरे ये पूछो कि कौन सी आफत नहीं आई, कसम खुदा की मेरे दिल पे जो गुजर रही है मैं ही जानता हूँ। ये इश्तेहार देखो। उड़ा दे नींद आंखों की कहानी उसको कहते हैं, जलाकर खाक कर डाले जवानी उसको कहते हैं। यार शेर तो बड़े मजे का। अरे ये दूसरा शेर तो पढ़ो, तुम भी चचा की तरह एक ही शेर पटक जाते हो। मगर कहाँ है दूसरा शेर? ये इतना लंबा मिसरा पढ़ा हुआ आपको दिखाई नहीं देता, मैं तो कहता हूँ इस पे गजल लिख डालो। यार ये लड़की तो वाकई फितना है। अरे फितना क्या है, थिएटर में जब पर्दा खुलेगा ना तो पूरे थिएटर में आग लग जाएगी। प्यारे आज तो अपन जलेंगे। मगर इसमें लिखा है कि जलने के 2 रुपए लगते हैं, लकड़ियां वकड़ियां थिएटर में मिल जाती हैं। हाँ तो इसमें लिख डालो कि शेख अब्दुल करीम बल्द अब्दुल रहीम खान ने 2 रुपए कुर्बान किए। ये क्या मुसीबत है, बाप पठान और बेटा शेख। नीली छतरी वाले का शुक्रिया अदा करो कि मेरे कोई औलाद नहीं है, वरना सैयद होने का दावा करते। सर जी 500 लेते जाइए। यहाँ तो काफी भीड़ है, टिकट कैसे मिलेगा? अरे टिकट भी मिल जाएगी। कैसे? तरकीब लड़ाना पड़ेगी और क्या। लड़ाओ। ए लो मिल गई तरकीब, तो इसकी बगल में है। टिकट तो मिल गया, ये लकड़ी जिसकी भी हो ले जाए। बचके पलम कहाँ जाओगे हो, बचके पलम कहाँ जाओगे, हमें तुम पीछे पीछे पाओगे, बचके पलम कहाँ जाओगे हो, बचके पलम कहाँ जाओगे। छोड़ू ना तो
बलम कहाँ जाओगे हो, बच के बलम कहाँ जाओगे, हमें तुम पीछे पीछे पाओगे, बच के बलम कहाँ जाओगे हो, बच के बलम कहाँ जाओगे। बलम कहाँ जाओगे हो, बच के बलम कहाँ जाओगे, हमें तुम पीछे पीछे पाओगे, बच के बलम कहाँ जाओगे हो, बच के बलम कहाँ जाओगे। क्या बताएं शेख, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। खबर नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ से मेहरबानी करके वापस आ जाइए। वापस आने की हिम्मत नहीं है अब। तो फिर चार भाई बुलाओ क्या उठाने के लिए। मगर मैं अपना सब कुछ यहीं छोड़कर कैसे जाऊँ। तो उसने तो मुझे लूट लिया। लूट लिया छोड़ ले क्या, अपना तो कुछ नहीं गया ना। नहीं, सिगरेट का पैकेट भी है, माचिस भी है, लेकिन आपका इरादा क्या है। इरादा यह है कि मेरे गीत हों और उसके नाच हों तो सारी दुनिया झूम उठेगी। दुनिया तो झूम उठेगी, और अगर चचा को मालूम पड़ गया ना तो वो नाच की रिहर्सल कराएंगे कि चौकड़ी भूल जाओगे। मगर अब तो ये हाल है, बिस्तर बिछा दिया है तेरे दर के सामने। नहीं कुछ भी कहो, एक काम करते हैं। क्या? थिएटर के मालिक से बात करते हैं। काय के लिए, बिस्तर के लिए कि तकिए के लिए? नौकरी के लिए। तो तुम नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। तो चलो फिर यहाँ से तो चलो। नीली छतरी वाले, ये ऊपर बैठ के क्या गड़बड़ करता रहता है, लड़का तो काम से ही गया। खैर अब आगे ख्याल रखना। अच्छा चल भाई। अशोक बाबू। प्रोप्राइटर डायमंड थिएटर। क्यों भाई, अशोक बाबू अंदर है? कौन है अशोक बाबू? थिएटर का मालिक। मालिक तो नहीं, मैनेजर साहब अंदर है। मैनेजर साहब है। चलो चलो सीधे जाता। अरे भाई हम उनका रिलेटिव है। रिटेलिव? अरे रिटेलिव नहीं, रिलेटिव यानी रिश्तेदार। हम अंग्रेजी नहीं जानते रिश्तेदार। चलो सिगरेट पियो। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। कहाँ से आए हो? जी जहाँ से एक दिन अशोक बाबू तकलीफ लाए थे। जी मतलब ये कि हम उनके वतन से आए हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। वतन कहाँ, रिश्तेदार? तो तकलीफ रखे, तकलीफ रखेंगे तो उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों का नुकसान हो जाएगा जी। मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो घर पे है। घर पे है तो घर ले चलिए। आपका शुभ नाम? चांद। चांद। और आपका? सूरज। चांद सूरज। और आपका? तारा। अरे वाह, तारा। नाम तारा चंद है, सेठ जी प्यार से तारा कहते हैं। सब तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने, वो भी आसमानी। ये तो बताओ कि रातपाली वाला दिनपाली वाला दोनों साथ जमीन पे कैसे आए? जी बहुत जमाने तक अलग अलग रहे, फिर सोचा कि चलो साथ हो जाए। और फिर तारे की जुदाई चांद सूरज कैसे बता? नीचे आने का चांद सूरज तारा। का लाखों का नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। चलना सर जी, चलो चलिए चलिए चलिए। चांद सूरज तारा साहब रास्ता छोड़ो। आइए बुजुर्ग आइए आइए। मैं अभी हाजिर हुआ। बुजुर्ग क्या है? वो आए हैं
कौन? एक चांद है और एक सूरज। क्या बकते हो? कहते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं, असली चांद सूरज नहीं हूँ। जो बिठाओ मैं आता हूँ। बहुत अच्छा हूँ। हुजूर अभी आते हैं, तकरीब रखिए। ठीक है, आ गए हुजूर। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। हम लोग आप ही के वतन से चले आ रहे हैं। बहुत खूब। आप लोगों को मेरा पता ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अजी आपको कौन नहीं जानता, वतन में नीली छतरी वाले की मेहरबानी से सब खैरियत है। लंबी तान के सोते हैं सब। माशाल्लाह अशोक बाबू का वतन है तो मजाक है। और वो जो आपके बुजुर्ग है ना, वो जरा लंबे से। जी लंबे से? लंबे से है नहीं, मगर वो लंबे से दिखाई देते। गोरे से? गोरे से जी हाँ, मगर अंधेरे में कभी कभी काले नजर आते हैं। बड़ा बड़ा प्यारा सा नाम है उनका। जी वो प्यारे लाल जी। प्यारे लाल जी, बिल्कुल प्यारे लाल जी। आपने तो मेरे मुंह से नाम छीन लिया है। प्यार करूँ साहब? प्यारे लाल हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आपकी शक्ल भी मिलती है कुछ कुछ? कुछ कुछ जी हाँ, वो मेरे मामा हैं। अजी आप हमें क्या बताते हैं, कोई भी दूर से देखकर कह देगा कि प्यारे लाल जी का सगा भांजा चला आ रहा है। आप लोग तशरीफ रखिए, बैठिए। अब फरमाइए जी। प्यारे लाल जी ने हमें आपके पास भेजा है, सिफारिश के लिए चिट्ठी भी दी है। चिट्ठी निकाल सूरज। चिट्ठी? चिट्ठी तो तुम्हारी जेब में डाल दी थी। अरे वो तो मैं होटल में भुलाया। अब कोई बात नहीं, उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो आपको मालूम ही होगा। लफ्ज बलफ्ज मालूम है। पहले आप इनसे शायर के रूप में मिल लीजिए। ये बड़े अच्छे गीत लिखते हैं और बहुत मशहूर शायर हैं। चांद तखल्लुस है, आजकल चांदनी रातों में इन्हीं की गजलें गाई जाती हैं। प्यारे लाल जी अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने खास तौर पर आपके थिएटर में गाने लिखने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा हुजूर। चांद साहब, चांदनी रातों में आपकी गजलें गाई जाती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में बिजली तो क्या हुआ, सुनाई देगा? आप तजुर्बा करके देख लीजिए ना। लेकिन हमारे थिएटर में शायर के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन शायर तो अपनी जगह खुद बना लेता है। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको एक नई चीज सुनाऊंगा। जी हाँ, हाथ कंगन को आरती क्या है, बाजा मंगाइए और सुन लीजिए। हाँ हुजूर सुन लीजिए, दिखने में तो अच्छा है। ले ए जवानों, जिंदगी रेशम भी है तलवार भी। मुस्कुराता फूल भी है और खटकता हार भी। बंदा नवाजी। चांद सूरज की तरह ये गर्म भी है सर्द भी। अपनी आंखों का है आंसू, दूसरों का दर्द भी। सुखन परवरी। जिंदगी मिलती है कांटों से गुजरने के लिए, फूल खिलते हैं गुलिस्तां के संवरने के लिए। आदम। महफिल मैं आज तेरी दीवाने आ गए हैं। महफिल मैं आज तेरी दीवाने आ गए हैं। लेकर दिलो जिगर के नजराने आ गए हैं। लेकर दिलो जिगर के नजराने आ गए हैं। महफिल में आज तेरी दीवाने आ गए हैं। हाँ मारा है तीर तूने दिल के करीब आकर, घायल बना दिया है हमको नजर मिलाकर। हम भी तुझे तड़प कर तड़पाने आ गए हैं। हम भी तुझे तड़प कर तड़पाने आ गए हैं। महफिल में आज तेरी
दीवाने आ गए हैं। तेरे लिए मोहब्बत सबसे भटक रही है, जो आज अपने दिल में जालिम भड़क रही है, वो आग तेरे दिल में भड़काने आ गए हैं। वो आग तेरे दिल में भड़काने आ गए हैं। मैं दिल में आज तेरी दीवाने आ गए हैं। बार रह गए हम कुछ तुझसे कहते कहते, तो बार रह गए हम कुछ तुझसे कहते कहते, तो बार रह गए हम कुछ तुझसे कहते कहते, दम घुट चला है अपना खामोश रहते रहते, दम घुट चला है अपना खामोश रहते रहते, होठों पे आज दिल के अफसाने आ गए हैं। होठों पे आज दिल के अफसाने आ गए हैं। महफिल में आज तेरी दीवाने आ गए हैं। आँखें चुराने वाले आँखें चुराने वाले तुझको पता नहीं है, आँखें चुराने वाले तुझको पता नहीं है, बिन प्यार जिंदगी का कोई मजा नहीं है, बिन प्यार जिंदगी का कोई मजा नहीं है। इतनी सी बात तुझको समझाने आ गए हैं। इतनी सी बात तुझको समझाने आ गए हैं। महफिल में आज तेरी दीवाने आ गए हैं। आज तेरी दीवाने आ गए हैं। लेकर दिलोज गल के नजराने आ गए हैं। महफिल वाह वाह बहुत खूब, आप तो बहुत अच्छा कहते हैं। खून दिल से लिखा है जनाब, कागज पर रख दिया है, चले जाए निकाल। वाह 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 जी आ रहा हूँ। अजी मैं किस काबिल हूँ? तुम किसी काबिल होते तो फिर रोना किस बात का था? अफसोस तो यही है कि तुम नालायक निकले। तस्लीम बजा लाता हूँ। कैसा कला डाल जो मुझे तस्लीम की तुमने? जानते हो तस्लीम क्या चीज होती है और बुजुर्गों की इज्जत किस तरह की जाती है? क्या शाहाना मिजाज पाया है, सलाम भी करता हूँ तो नागवार गुजरता है। मैं आप ही के बारे में अर्ज कर रहा था जी। ये किसी और के मामा होंगे। क्या फरमाया आपने? कैसे मामा? माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। ये आप जाने और आप शरीफों के बच्चों को बहकाते हैं और उनकी जिंदगियां तबाह करते हैं। तुम्हें अब मिराती बनने का शौक हुआ है? मुझे आज भरे मजमे में तुमने रुस्वा किया। अगर तुम पैदा होते ही मर जाते तो मेरी ये जिल्लत न होती। चलो बाबूजी। खामोश। चलो सुनिए, जरा जब्त से काम लीजिए, लड़का जवान हो चुका है। आप खामोश रहिए, मैंने ऐसे नाटक और नाटक वाले बहुत देखे हैं। चलो अदावर सुनिए, ये माल भी वापस। क्या ईमानदार लोग हैं, फिर तो आपको भी आधा बढ़ा। उसकी उम्र मार खाने की नहीं है। गैरों के सामने आपको उसके हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसने भरे मजमे में मुझे रुस्वा किया,
आज तक किसी मुशायरे में मेरी ऐसी हेठी नहीं हुई। आग लगे ऐसी शायरी को जो आदमी अपनी औलाद से जलने लगे? मैं क्यों उससे जलने लगता, वो कोई मेरे बराबर का शायर है। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, जवान लड़का है, अगर बिगड़ के घर छोड़ गया तो मैं उसे कहाँ से लाऊंगी। सलाम ना दुआ, कहाँ चले इतनी रात में? इतनी बड़ी दुनिया है और रात पर्दा घिरे हुए, कहीं मुंह छुपा कर निकल जाऊंगा। गुड आइडिया, लेकिन बाप का घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? घर वो नहीं जो अपने बाप से मिले, घर वो है जो आदमी खुद बनाए। लेकिन प्यारे, आजकल तो जमीन बड़ी महंगी हो गई है और फिर जमींदारी भी खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ने वाले कभी पीछे नहीं करते। चलो फिर तुम्हें छोड़ आए। कहाँ? चरण तो वहां नहीं है। पूज्य माता जी नमस्ते। शायद मैं इतना शरीफ नहीं कि इस घर में मेरी समाई हो सके। पिताजी ने कल जो मुझे सबक दिया उसने मेरी जिंदगी का वर्क उलट दिया। अब मैं अपनी खोई हुई इज्जत हासिल करने के बाद ही घर वापस आऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहने वाला शिव चरण। अब खुश हो जा, मोहल्ले भर में लड्डू और पेड़े बांटो, वो तुम्हारी इज्जत पर कुर्बान होगी। मेरा शिवचरण मेरे घर से रूठ के चला गया। मैं इसी दिन के लिए रोती थी कि जवान बेटे पर इतनी सख्ती अच्छी रही, अब बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे। क्या पुलिस मेरा पढ़ लिखो और उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ। ये मुझसे न होगा। ये तुमसे क्यों होगा? तुम्हारे सीने में मां का दिल तोड़ेंगे। तुम तो चाहते थे वो किसी तरह तुम्हारे घर से चला जाए। ये मैंने कभी नहीं चाहा शिवचरण की मां, और मैं ये चाहूंगा कि उसे आधे रास्ते से वापस ले आऊं। वो घर से गया है तो उसे मंदिर तक पहुंच जाने दो। मां बाप उसे जो कुछ न समझा सके वो जमाने की ठोकरें समझा देंगी। देखो देखो मेरे साबुन का तमाशा देखो, जिसने खाया ना हो एक बार वो खा कर देखो। आप कहेंगे कमाल, मैं कहूंगा जादू, और जादू वो जो सर करके बोले हाँ तो मेहरबान। ये है वो जादू, नई चीज और नई इजाद, खाने में बर्फी और देखने में साबुन। भूख लगी है भूख मिटा लो, गंदे कपड़े धो लो, तन धो लो मन धो लो। यार कोई उस्ताद मालूम होता है? आप नहीं भाई, ये खाने कमाने दो यार। ऐसे कैसे खाने कमाने दे, साझे में मान जाए तो क्या बुरा है? अब बुरा तो कुछ भी नहीं, तो बुला ले। बुला ले? अब बुलाओ। हाँ तो मेहरबान, हाथ बढ़ाओ और मांग लो, चाय खाओ और चाय लगाओ। बर्फी साबुन बैठ जा। क्यों भैया, ये कैसा साबुन है? ये कमाल का साबुन है दोस्त, धोने में साबुन और खाने में बर्फी। भूख लगी हो पेट भर लो, कपड़े मैले हैं कपड़े धो लो, यानी एक वक्त में दो काम करता है, घर के और घाट के। अच्छा, लगाने का खा गया मालूम पड़ता है। खाने का खाओ। अच्छा ये बताओ, दोनों कार्रवाई अगर एक साथ की जाए तो चलेगा? साथ मालूम होते हो यार, तुम्हारा साबुन मीठा होगा मगर आवाज मीठी नहीं। अगर आवाज में भी रस होता तो। अरे भाई, आवाज में रस होता तो ये साबुन बेचता, किसी फिल्म कंपनी में प्लेबैक गाने गाता। क्या खराबी है मेरी आवाज में? खराबी नहीं मगर आवाज अच्छी कैसे होती वो सुनो। सुनाओ। साबुन का भाई साबुन, बर्फी ये बर्फी। अरे साबुन का भाई साबुन, बर्फी ये बर्फी। दूध मलाई इसने डाला, नमक मिर्ची गर्म मसाला। तन को धोए मन को धोए, बगला जैसा उजला होए। ध्यान लगा कर सुन ले रे भैया, कहता है साबुन वाला। अरे साबुन है भाई साबुन। तुम तो शायर मालूम होते हो। अरे ऐसे वैसे शायर भी नहीं, पैदाइशी और खानदानी चाहिए। मैं कहता हूँ हफ्ता भर साथ रखोगे ना तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। मुझे मंजूर,
भैया ऐसा करो, मजमा तुम लगाना, माल मैं बेचूंगा, मुनाफे में आधा आधा। ये बात है। और सुनो, अपना एक ही धंधा नहीं है, बहुत से धंधे हैं। मजा आ जाएगा, उसमें भी बहुत से। हाँ तो मेहरबान दोस्तों और भाइयों, हम कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, छठापति नहीं। आप लोग ख्याल करते होंगे कि अभी हम ताज का खेल दिखा के कोई ताकत की दवा निकालने वाले हैं। नहीं भाइयों, आप धोखे में हैं। गौर से देखो मेहरबान, फकीर क्या दिखाता है और क्या निकालता है। फकीर अपनी झोली से सोना निकालता है और सोना दिखाता है, और वो भी बिल्कुल यानी सिर्फ 2 रुपए तोला। अरे दुनिया में कहीं 2 रुपए तोला सोना बिका है? बाप ने कुआं खुदवाया था, मगर पानी के बदले सोना निकला। इसीलिए पानी के भाव में सोना बेचता है। वो कहा है ना किसी ने कि माले बाप दिले दे रहे। माल थोड़ा रह गया है मेहरबान, साथ में लेके जाना नहीं है, यही मिल बाट के खाना है। मैं कहता हूँ खरीद लीजिए, इसलिए हमें दूसरी गाड़ी से आगरे जाना है, और उसके बाद बरेली जाना है, दूसरा कुआं खुदवाना है, इसलिए कि माल खत्म हो चुका है मेहरबान। मगर कोई गारंटी नहीं कि सोना निकले, इसीलिए आज ही माल खरीदिए। 2 रुपए तोला 2 रुपए तोला। इसलिए मेहरबान, आदमी वक्त पर हीरे को पत्थर समझ के फेंक देता है। मैं कहता हूँ ये माल आपको इस भाव में नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 रुपए तोला में सोना खरीदिए, 2 रुपए तोला में। अरे खरीदिए क्या बल्कि लूट लीजिए, 2 रुपया तोला 2 रुपया तोला। अरे बात एक बोला यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, देखो अपना माल सब बिक गया। अच्छा भाई, माल का आधा हिस्सा तो सुनता क्या जाओ भाई, इकट्ठा हिसाब करेंगे। ए भाई इकट्ठा हिसाब तो अपना ऊपर होगा, तुम रोज के रोज दे दिया करो, नोट पकड़ पैसे इधर ला दे। चलो भाई, अपना फायदा तो ये है कि धंधा करने के बाद में पहले पेट पूजा कर ली जाए, नहीं तो भूखे पेट ये 10 रुपए का नोट है ना, ये भी रोटी नजर आता है। तो तुम्हें भूख नहीं लगी है? यार भूख तो बड़े जोरों की लगी है, घर से रोटी की नहीं तो निकले थे। तो ठहरो, तुम लोग यहीं बैठो, देखो वो सामने के होटल से मैं अभी खाना लेके आता हूं। नहीं भाई नहीं, पेट का तो एक ही दरवाजा होता है, होटल के कई दरवाजे, कहीं खसक लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम इधर बैठो, मैं ले आता हूँ खाना। कर दो यार, तुमको हमारे पे भरोसा नहीं है? अपने को अपने बाप पे भरोसा नहीं, पैसे के मामले में तुमको भरोसा? देख हमारे साथ घपला तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ भरोसा मत करो भाई, पैसे का मामला है यार, छोड़ दो। तुम जाना नहीं है? मैं कहता हूँ खसक गया तो मुसीबत हो जाएगी, खाने से भी जाएंगे और नोट से भी। आदमी तो सीधा टेढ़ा कहाँ है? तो शेख उल्लू बन गए ना। मैंने तो पहले ही कहा था भरोसा मत करो, पैसे का मामला है, आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आया है। जरा पुकार के तो देख। अबे कहाँ गया खाना लाने? अरे क्यों बे मक्कार सखावत, चार से भी करता है तो तुम पीते को सोना भी लेके बेचते? हम नहीं बेचते, हम तो नौकर है, वो तो सेठ बेचता था, हमारा तो 2 रुपए रोज, उसके 4 रुपए रोज है। वो हमको फंसा के भाग गया भाई, हमारे 10 रुपए ले गया। कितने में दूध के बच्चे बोलो, खाना खाने गया है? लाला ये लोग झूठ बोलते है, इनका मुँह काला करके इन लोग बस्ती से बाहर निकाल। सच्चाई का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। क्यों वैसे कैसी रही? एक कामयाबी की तरफ मुंह काला करके पहला कदम उठाया हम लोगों ने, बड़ी अच्छी काम। आज सुहानी रात रे, आज सुहानी रात रे, ओए तू आ जा रे, के दिल है बेकरार, के डोले रे Thank you.
हम तो हैं मुसाफिर अनजाने, दिल किसको पुकारे हाय तेरा, दिल किसको पुकारे हाय तेरा। ओ, 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 मैं तुझको बुलाऊं तो है मुसाफिर अनजाने, दिल किसको पुकारे हाय तेरा, दिल किसको पुकारे हाय तेरा। ओ, 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 मैं तुझको बुलाऊं आ जा रे, दिल तेरे बिना घबराए मेरा, दिल तेरे बिना घबराए मेरा। ओ, 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 रुक जाना अजी, रुक जाना जरा, रुक जाना सजना। भटकते राहों में तू, दर्द हमारा क्या जाने, तू दर्द हमारा क्या जाने। ओ, 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 भटकते राहों में तू, दर्द हमारा क्या जाने, तू दर्द हमारा क्या जाने। ओ, 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 खुश आमदीद, खुश आमदीद। तुम बहुत अच्छा गाती, तुम्हारा गले में नूर होती, हमारा दिल को सुरूर होती। हम गाती नहीं, गाता। नहीं, तुम गाती, ये बजाती, हमारा लाली नाचता। लाली? लाली तुम्हारा कौन होता? हमारी बेटी होता। बेटी, बेटी होता? तब तो बहुत अच्छा गाती होता, मेरे मतलब नाचती होता। तुम यहाँ किधर रहती? हम लोग घर से निकली होती, जंगल जंगल भटकती होती। हम इधर रहती नहीं होती, हम लोग मुसाफिर होती। मुसाफिर होती, मुसाफिर, मुसाफिर हमारा मेहमान होती। तुमको प्यास लगा होती है? हाँ, है? हाँ। लाली, शरबत होना, शरबत बादा, दो गिलास देर दूध दे। अच्छा बाबा, अभी लाता है। हाँ। तो क्या बोलती? हम मुसाफिर को शरबत पिलाती। तुम्हारी नाम क्या होती? हमारी नाम चांद होती। चांद? हमारी नाम करीम, नहीं मेरा मतलब शेख। थोड़ा बोलती, थोड़े में करीम होती। करीम, चल शरबत। कौन सा शरबत होती? तुम बाजा बहुत अच्छा बजाती है। सर, तुमको पसंद आती है? बहुत पसंद आती है। अरे वाह, हमको भी बहुत पसंद आती है। तुम बहुत अच्छा नाचता है। ये शरबत कौन बनाती है? ये शरबत मेरा बाबा बनाती है और हम पिलाता है। अच्छा, तो बाप बेटी दोनों का हाथ है। अरे फिर तो आवे आया थे। ए, तुम हमको बाजा सिखाएगी? तुमको? अरे तुमको हम दिल से सिखाएगी, हाथ से नहीं। तो फिर हम जरूर सीखेगा। अच्छा, मुसाफिर क्या काम करती? हम गाना गाती, गाना लिखती। शायर होती? हमारा मेहमान शायर होती। हाँ भाई,
तुम्हारा मेहमान बदनसीब शायर होती, जिसका न कोई घर होती न कोई अपना होती, बाप घर से निकालती, हम दुनिया में ठोकर खाती। नहीं चांद, शायर बदनसीब नहीं होती, वतन का फखर होती, हमारा दिल में जगह पाती। जो अपने बाप के दिल में जगह नहीं पाती, वो तुम्हारे दिल में कैसे जगह पाती? दिल छोटा नहीं करती चांद, तुम हमारे कारवान का चांद होती। करीम बजाती, दूर नजर गाती, हम दवाई बेचती, लोग जमा होती। हाँ, लोग जमा होती, फिर तुम दवाई बेचती, फिर तुम झूठा सोना बेचती, पैसा तुम लेती, लोग मुंह काला हमारा करती। नहीं बाबा, हम ऐसा काम नहीं करते। ऐसा क्या बोलती चांद, हम लोग बेईमान नहीं होते, हम तुम को अपनी औलाद की तरह रखती। बोलो क्या बोलती? हम अपने दोस्त से पूछती फिर बताती। अच्छा करीम, करीम कहाँ गया? करीम, ए करीम। अरे वो जब रुकने का बोलती है तो रुक क्यों नहीं जाती? अच्छा भाई, हमारा दोस्त बोलने ठहरने को तो हम ठहर जाती। तुम बहुत अच्छा करती, बहुत अच्छा करती जान। आएगी आएगी, अभी आएगी, गाना गाएगी, दिल बरमाएगी, नशा बरसाएगी, आएगी अभी आएगी। जान आओ। अरे ये कहाँ से आ गई? नैन साहब, आप इसे खरीदेंगे? बड़े काम की चीज है। इसकी कीमत? कीमत बहुत कम है नैन साहब। फिर भी? फिर भी सिर्फ एक दिल। दिल चाकुओं के दाम नहीं दिखा सकता। सौदा महंगा नहीं है नैन साहब। आप दीवाने तो नहीं होगा? शुक्रिया, आपने पहचान तो लिया। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप इसे भी ले जाइए और कीमत भी ले जाइए। आप ही रखिए चाकू छुरी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ साहब, आपको क्या जरूरत है? जब ग्राहक खुद ही चाकू छुरी हो तो फिर बेचने से क्या फायदा? बदतमीज। नाराज न होइए मैन साहब, मुझे कुछ सच बोलने की आदत सी हो गई है। चलो चलो, तुम यहाँ क्या करती? उधर गाना गाती, मैन साहब खुश होता। चलो जरा खुल के हंसी मैन साहब, गाने वाले की हिम्मत बढ़ जाएगी। तुम्हें गाने से क्या वास्ता? मैम साहब, मैंने भी आपको थिएटर में नाचते गाते देखा है, नाच जरूर पसंद आया लेकिन गाना पसंद नहीं आया। जरा मेरा गाना सुनिए, आपको कुछ फायदा ही होगा। अच्छा। आइए। नहीं नहीं, मैं ही सुनूंगी। अच्छा, ए तुम इसको जानती है? इसके बाप को भी जानती है। ऐसा? हाँ। करीम, अपना तो जमाने में बस इतना फसाना है, अपना तो जमाने में बस इतना फसाना है, इतना ही फसाना है, बस इतना फसाना है। कुछ हम भी दीवाने हैं, कुछ दिल भी दीवाना है, कुछ हम भी दीवाने हैं, कुछ दिल भी दीवाना है। हमसे तो कोई पूछे वो मस्त नजर क्या है, हमसे तो कोई पूछे वो मस्त नजर क्या है, वो मस्त नजर क्या है। जीने का सहारा है, मरने का बहाना है, जीने का सहारा है, मरने का बहाना है, मरने का बहाना है, मरने का बहाना है। कुछ हम भी दीवाने हैं, कुछ दिल भी दीवाना है। भूले से कभी हमने कातिल न कहा उनको, भूले से कभी हमने कातिल न कहा उनको, कातिल न कहा उनको। दिल जिनकी अदाओं का खामोश निशाना है, दिल जिनकी अदाओं का खामोश निशाना है, खामोश निशाना है, खामोश निशाना है। कुछ हम भी दीवाने हैं, कुछ दिल भी दीवाना है।
पत्का दुनिया इसे क्या जाने, ये राज है उल्फत का दुनिया इसे क्या जाने, ये राज है उल्फत का दुनिया इसे क्या जाने, दुनिया इसे क्या जाने, नजरों का चुराना ही नजरों का मिलाना है, नजरों का चुराना ही नजरों का मिलाना है, नजरों का मिलाना है, नजरों का मिलाना है, कुछ दीवाने हैं कुछ दिल भी दीवाना है। इन शोक हसीनों पर हम और लुटाएं क्या, इन शोक हसीनों पर हम और लुटाएं क्या, हम और लुटाएं क्या, कुछ पास नहीं अपने एक दिल का खजाना है, कुछ पास नहीं अपने एक दिल का खजाना है, एक दिल का खजाना है, एक दिल का खजाना है, कुछ हम दीवाने है कुछ दिल भी दीवाना है। मंजिल है कहाँ दिल हम इसके मारों की, मंजिल है कहाँ ऐ दिल हम इसके मारों की, मंजिल है कहाँ ऐ दिल हम इसके मारों की, हम इसके मारों की, हम जाके जहाँ बैठे वो अपना ठिकाना है, हम जाके जहाँ बैठे वो अपना ठिकाना है, वो अपना ठिकाना है, वो अपना ठिकाना है, कुछ हम दीवाने है कुछ दिल भी दीवाना है, कुछ हम भी दीवाने हैं कुछ दिल भी दीवाना है। करी तुम यहाँ ठहरती के चली जाती? अरे अब इधर से कौन जाती, हम तो यही ठहरती कूचे जाना में अपना मजार बनाती। मगर वो जो है तुम्हारा दोस्त वो चांद, हाँ। वो तुमको इधर से ले जाती तो? अरे कैसे ले जाती, हम उसको भी जबरदस्ती ठहराती। करी ये तुम देखते बालिश पे चौवा बहुत खतरनाक, अगर तुम हमसे बेवफाई करेगी तो हम तुमको चाकू मार देगा। अरे और फिर बैठ के रोएगा। अरे वाह क्या खूब अदा है, वो गालिब ने कहा है ना कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, मगर यहाँ तुम मिलते हैं और हाथ में तलवार भी है। ये क्या करती, मेरा बाप देखेगी तो तुमको कत्ल कर डालेगी। इतना खतरनाक? हाँ। नीली छतरी वाले छोकरी का बाप बहुत खतरनाक है, जरा करीम पर करम करना, तुम भी हाथ उठा के दुआ मांगो ना, ये रखो एक तरफ। क्या सोच रहे करीम? हाँ? क्या हम घर से चाकू छुरी बेचने के लिए निकले थे? सब वक्त वक्त की बात है प्यारे, हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे भैया ये अपनी मंजिल नहीं है, हमें कहीं और आगे जाना। लेकिन ये तो सोचो कि जो इतनी प्यार से तुम्हारा बाप बना है उसका क्या होगा। अगर इतने नेक होते ना तो इन झोपड़ियों से अपना घर क्या बुरा था। वो तो ठीक है लेकिन 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 ये खतरा और है। क्या? वो ये कि अगर हम लोग खसक गए ना तो अपनी फिराक में लाली गुलगुल के मर जाएगा। लाली तो नहीं मरेगा हा? लेकिन तू जरूर मर जाएगी। नहीं नहीं तेरा मेरा साथ नहीं हो सकता, मैं चला। क्या हमेशा उल्टी बात करता यार, मैं चला। कसम है नीली छतरी वाले की, एक तो क्या 100 मोहब्बत कुर्बान है तुझ पर, ताने मत दिया कर यार, कम से कम मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। ऐसा? हाँ। तो फिर चलते क्यों नहीं? चलू उठाऊ मेरी वो हारमोनियम? हाँ उठा और मेरी पेटी भी लेते। अच्छी बात है चल। ये तो अपना आदमी है। तुम लोग किधर जाते? जैनू में। तुमसे क्या, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग भागती और बोलती क्या बिगाड़ती है, तुम भी जाती ये भी जाती, देखा मत करा
तू हमको दगा देके छोड़ जाती है। अरे हम तुमको क्या दगा देगा, हमारा तुमसे क्या मतलब है? क्यों करीम, ये बात मत कहो प्यारे, हम बेवफाई जरूर कर रहे हैं लेकिन कसम है नीली छतरी वाले की, इसमें बहुत बड़ी मजबूरा है। मजबूरा? मजबूरा है? देख करीम, तो फिर इसकी सूरत देखकर फिसल रहा है। अरे फिसलने की बात ही नहीं है प्यारे, जब निगाहें चार होती हैं तो प्यार आ ही जाता है, नजर में कुछ बात ही होती है। देखो ना। नहीं नहीं, तो एक काम कर, तू आंखें चार किया कर, मैं चला। कहाँ? बम्बई। बम्बई? हाँ। नहीं, एक काम कर, इसको भी ले चलो ना, या दो टिकट, हाँ तीन टिकट। नहीं नहीं, तू पूछ के देखो चलने को तैयार है नहीं। अरे उसका तो बाप भी चलेगी। देखो हम तुमको बड़ा बड़ा शहर में घुमाएगी, हम नाटक में काम करेगी, हमारा नाम होएगी, तुमको सलाम होएगी, हम तुम्हारा वास्ते विक्टोरिया खरीदेगी, मोटर खरीदेगी। मोटर? हाँ, पंपो। पंपो? मगर हमारा बाप क्या बोलेगी? को मारो गोली, बाप तो फिर भी मिलेगी लेकिन हम किधर मिलेगी। अच्छा, हम बेवफाई नहीं करेगा, हम तुम्हारे लिए अपने बाप को भी छोड़ देगा अगर तुम हमको छोड़ेगी ना। नहीं 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 नहीं, अब काय को छोड़ेगी, अब नहीं छोड़ेगी। चलो भाई चलो चलो चलो। करीम। हाँ। अरे बम्बई तो आ गए, अब ठहरेंगे कहाँ? मेरा एक शागिर्द है गुलशन सिंह टैक्सी ड्राइवर, उसका पता चलाते हैं। गुलशन सिंह टैक्सी ड्राइवर मालूम है क्या? मला माहित नहीं, मला माहित नहीं बोलता है, मालूम नहीं। आगे चलो, दूसरे से पूछते हैं। शेख साहब। बोलो भाई साहब। हम अपनी टांगों की कुर्बानी कब तक देते रहेंगे? क्या मतलब? अरे भाई ये तो अंधे की लाठी हो गई है, चलने लगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। रुकने का नाम भी मत लो प्यारे, ये जिंदगी अंधी है और टांगे लाठी, जब तक दोनों चलती रहे चलाते रहो। जब चला ही नहीं जाता तो क्या तुम्हारा सर चला है? चला चला के थका दिया, चलो अब किसी होटल या धर्मशाला में जाकर ठहरे। वो कहाँ नहीं तुम्हारी दोस्त, तुम बोलती थी गुलशन सिंह है, बुलबुल सिंह है, कहाँ है तुम्हारी गुलशन सिंह? बाबा बुलबुल के साथ गुलशन भी उड़ गया, तमाम टैक्सी स्टैंड ढूंढ मारे, अब नहीं मिलता तो क्या करे? क्यों सरदार जी? तुम कौन से गुलशन सिंह को ढूंढते हो बादशाह? सरदार जी वो गुलशन सिंह टैक्सी भी अच्छी चलाता है और पेटी भी अच्छी बजाता है, दोनों काम एक साथ करता है मगर वक्त पे नहीं मिलता। अरे हम उसको पहचानता है। अच्छा? हाँ। उसकी मोटर बिगड़ गया है। हाँ। वो अपने गैरेज के बीच में मोटर बनाता है। मगर उसका कोई पता ठिकाना? अरे जहाँ उसकी मोटर है वहाँ वो है, दोनों का एक ही जगह ठिकाना है, ये उसका गैरेज है और ये उसकी मोटर लोती है। अरे वाह, तो फिर पहले क्यों नहीं बता सरदार जी, हम तो सारे शहर में ढूंढ ढूंढ के थक गए। अच्छा मेहरबानी सरदार जी। हाँ जी मेहरबानी उसकी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा सरदार है वो भी सरदार है। सत श्रीकाल हमको बदतमीजी से बच्चा मारता हूँ। अरे मैं हूँ शेख करीम अब्दुल रहीम। ये है लाली और ये मेरा दोस्त चांद। उस्ताद तुमने हमको यूनिफॉर्म क्यों नहीं किया, नहीं तो हम तो हमको स्टेशन पर लेने आता। अरे वो तो ठीक है सरदार जी, अब हम इधर परमानेंट आ गया है। पहले सामान रखने का ठिकाना बताओ। ए, अपने गैरेज में ठहरो, हम इधर परमानेंट रहता है। अच्छा। ले भाई रहने का ठिकाना तो हो गया सरदार जी। मगर तुमको थोड़ी तकलीफ होगी। तमके आने से हमको तकलीफ, हमारी सब तकलीफ रफा हो गई। अच्छा चलो अंदर जी, जरा बचाओ। चलो भाई। कितना टाइम लगता है पंचर होने में? दो मिनट लगते, दो मिनट। करीम अपनी मुसीबत को रोक, मैं काम कर रहा हूँ। अरे मुसीबत बंद कर। ये उस्ताद हाँ? ये बाबू क्या लिखता है? गजल लिखता है, गजल। शायर है? अरे बहुत बड़ा शायर है। ये कोई मुखड़े शुकड़े लिखता है कि कोई गजल वजल भी लिखता है? अरे मुखड़े शुकड़े तो क्या, दीवाने गालिब तक लिख लेता है। तब तो बहुत बड़ा शायर है। हाँ। हमारे सेठ का थिएटर बड़े दिनों से बंद पड़ा है, उसको एक शायर की सख्त जरूरत है। क्या कहा? क्या कहा सरदार? शायर की जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है। पर ये दस बाबू जी गाने लिखते हो नवे के पुराने? अरे नए गाने लिखता हूँ सरदार, एक बार सुनोगे तो भड़क उठोगे। क्या तू क्यों क्यों करती है, जरा काम की बात करने दे। बच्ची सरदार जी बात करो ना। तब तो तुम्हारा काम बन गया, ऐश करो गया। मैं तुम्हारा टांका अपने सेठ से पिड़ा दूंगा। मगर कब? भाई एक पंचर हमको ला लेने। सरदार जी पंचर मैं सब बना दूंगा, पहले तुम इसका टांका दुराओ।
अच्छा तो चलो 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 नहीं सरदार जी, तुम इनको किधर ले जाती? मैं इनको किधर ले जाती? ले जाती ये हम आदमी है या कुड़ी है? अब की फर्क पैदा है सरदार जी, इसकी जबान ही ऐसी अपने बाप को भी ऐसे ही बोलती है। उस्ताद ये तो नई गल है। अच्छा फिर तुम भी चलो लाली सिंह जी, आ जाओ तब के, आ जाओ तब के थोड़े के फिर भी आओ चलो। जाओ बाबा जाओ, खाली फिर हमारा दिमाग मत खराब करो। जब देखो तब पिता हुआ गाना लेके चलाता है, हमको नहीं चलेगा। जाओ 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 सेठ जी। राम 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 राम। तम के लिए एक बहुत बढ़िया शायर लाया है ये। आ जाओ भाई आ जाओ। नमस्कार। ये श्याम साहब बहुत बड़े शायर। ये करीम साहब, भारतवर्ष में इनके साथ की कोई पेटी नहीं बजा रहे है। ये है लाली, बहुत अच्छा नाचती है, डांस करे है। आप नाचती है? नमस्ते। हाँ देखो भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुमको कोई नया गाना मालूम हो तो सुना। सेठ जी मैं आपको बिल्कुल नया गाना सुनाता हूँ। करीम पेटी निकाल। नहीं नहीं नहीं, हमको जल्दी जाने का है, फिर तुम अब वैसे ही सुना। अपना तो जमाने में बस इतना पसाना है, कुछ समझे दीवाने हैं। बस 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 बंद करो। क्या हुआ? सामने वाला थिएटर में यही गाना चलता है, यही गाना हमारा दीवाला निकाला, वही तुम हमको सुनाते हैं। सेठ जी ये गाना मेरा है। हाँ हाँ, अभी तुम बोलता है ये गाना तुम्हारा है, बाद में बोलेगा ये टेबल तुम्हारा है, ये कुर्सी तुम्हारा है, ये तबला तुम्हारा है, उसके बाद बोलेगा घर तुम्हारा है। राजा सामने का थिएटर में जाकर सुनो। क्या कहा? सामने का थिएटर? हाँ हाँ सामने का थिएटर में। करीम निकल चलो, फेट बेका हुआ है। चला है जिसको देखो गाना लिखने चला आता है। करीम देखा तूने? अपना तो जमाने में बस इतना ससाना है, कुछ हम भी दीवाने हैं, कुछ दिल भी दीवाना है। माला देवी गाएंगी। अरे क्या, ये तो तुम्हारी गाना होती। करीम बाजा किधर है? गैरेज में। ये गैरेज में तो क्या हुआ, मैं अभी पास के लाता हूँ, जल्दी लाओ। जल्दी लाया। दुनिया के बाजार में भैया चलता खोटा माल, बड़े बड़े गुण वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, ओ भैया फिरे यहाँ कंगाल। दुनिया के बाजार में भैया चलता खोटा माल, बड़े बड़े गुण वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, ओ भैया फिरे यहाँ कंगाल। आपसे मिलिए उल्टे सीधे खेल दिखा कर लूटे ये दिन रात, उल्टे सीधे खेल दिखा कर लूटे ये दिन रात। आप कला के सच्चे सेवक आपकी है क्या बात, ओ भैया आपकी है क्या बात। देखो कौवा भेष बदल के हंस की चलता चाल, बड़े बड़े धुन वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, ओ भैया फिरे यहाँ कंगाल। दुनिया के बाजार में भैया चलता छोटा माल, बड़े बड़े धुन वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, ओ भैया फिरे यहाँ कंगाल। कैसे कैसे चोर उचक के बैठे बन के सेठ, कैसे कैसे चोर उचक के बैठे बन के देख। रात बिना हम मेहनत करते फिर भी खाली पेट, ओ भैया फिर भी खाली पेट।
वो ही तेरा हाल है भैया, वो ही मेरा हाल। बड़े बड़े धुन वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, वो भैया फिरे यहाँ कंगाल। दुनिया के बाजार में भैया चलता छोटा माल, बड़े बड़े धुन वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, वो भैया फिरे यहाँ कंगाल। दिल पे डाले प्यार का फंदा, आँख में डाले धूल। दिल पे डाले प्यार का फंदा, आँख में डाले धूल। आशिक को वो नाच नचाए, जाए सब कुछ भूल, ओ भैया जाए सब कुछ भूल। पास हो जिसके माल खजाना, धरती उसकी दाल। बड़े बड़े गुण वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, ओ भैया फिरे यहाँ कंगाल। दुनिया के बाजार में भैया चलता छोटा माल, बड़े बड़े गुण वाले देखो फिरे यहाँ कंगाल, ओ भैया फिरे यहाँ कंगाल। अच्छा प्रोग्राम हुआ और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कमाल तो ये है कि कल फिर होगा और फिर मुफ्त। भाई हमारा थिएटर तो आप लोग हैं, जहाँ आप होंगे वहीं हमारा शो होगा। तारकम जी, जी अपने थिएटर में कितने आदमी? हुजूर आप दोनों को छोड़ के सिर्फ मैं। अगर यही हाल रहा तो अपना थिएटर चौपट हो जाएगा। आप मेरी बात मानेंगे? कहो। इन लोगों को नौकर रख दीजिए, इससे मुकाबला भी खत्म हो जाएगा और इनके गाने से हमारा थिएटर खूब चलेगा। लेकिन हो सकता है कि ये लोग हमारे यहाँ नौकरी करना पसंद न करें। आपको शायद ख्याल नहीं, यही लोग एक दफा आपके रिश्तेदार बनकर आए थे नौकरी के लिए। ये वही लोग हैं? हाँ हाँ, मुझे तो वही दिखाई देते। और अपना तो जमाने में ये गाना भी इन्हीं का है जो सबसे ज्यादा चला था। हाँ हुजूर, बहुत पास हुआ है वो गाना। हाँ, कल इन्हें ऑफिस में बुला लो। जरूर बुलाऊंगा। अरे अपने गीत की कीमत वसूल दो। आज उसको पता चला कि दूसरे के गीत में कोई हाथ लगाए तो पत्र एक घंटे बज जाती है। तुम क्या रो रो? हमको बहुत अच्छा लगती है। अरे तुमको अच्छा लगती है, हमको रोज ठीक करना पड़ती है। चांद साहेब ये तुमको किससे मिलना? लाला जी चांद साहेब चाहे ये तमला जाओ अंदर। शांत साहब, आप लोगों ने हमें पहचाना तो होगा। पहचाना क्यों नहीं मेरी जज साहब। अच्छा ये कैसे जमत की फरमाइए? क्या फरमाऊं? और ये है कि सेठ जी ने आप दोनों को याद किया। आदत है, आदमी बजाएगी। तो सेठ ने हमें याद किया ना? क्या तकलीफ आपके सेठ को? ये तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जानता। यार करीम चुप रहना, इन्हें भी कुछ कहने दे। सूरत से करीम आइसक्रीम नहीं, शेख करीम वल अब्दुल रहीम खान। शेख करीम वल अब्दुल रहीम खान, ऐसा मालूम होता है शहंशाह अकबर के दरबार से ताल्लुक है आपका। आज ताल्लुक तो बड़े बड़े दरबारों से रहा है, लेकिन हम लोग दरबारी नहीं है। खान साहब यही तो खतर रह गई है, तो हमारे दरबार में आ जाइए और फिर देखिए कैसे बचती है धनाश्री। धनाश्री? ये बांसुरी तो बचते हुए देखिए। धनाश्री क्या? नहीं समझे? धनाश्री धन से ताल्लुक रखती है। धना यानी धन और श्री यानी सर्टिफिकेट। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, अगर जिंदगी हो। इस बात का कॉन्ट्रैक्ट है लाला जी? आप नहीं समझेंगे सरदार जी। हम नहीं समझेंगे, हमने पी पर कॉन्ट्रैक्ट लिए लारियों और लारियों के लिए होंगे। ये आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। आप अशोक बाबू से कहिएगा, हम लोग वहीं आके बात करेंगे। बहुत अच्छा, तो इजाजत दीजिए। आदाब, राम राम लाला जी। राम राम सरदार जी। आइए आइए हुजूर, चांद साहब, सूरज साहब और लाली सिंह।
रखिए रखिए। साहब हम आज की कदर करते हैं और आज की तलाश में रहते हैं, चाहे जहां से भी हाँ। तुम आपकी तनख्वाह 300 रुपए, इनकी 200 और इनकी 225। बस चलो भाई करीब है, यहाँ आज भी तो कदर नहीं है। तो आते देर न जाते देर, जरा तस्वीर तो रखिए। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो आप अपनी शर्तें पेश कीजिए। तो सुनिए साहब, मेरी तनख्वाह 1000, करीम साहब की तनख्वाह 1100 और लाली की 1200। और सुनिए साहब, एक शानदार बंगला होना चाहिए जिसमें सबके लिए कमरे अलग अलग हों। गाने मेरी पसंद से लिखूंगा, रिहर्सल मेरी मर्जी। करीम, ओ शेख करीम अब्दुल रहीम खान, जरा यहाँ तकलीफ लाइए, मैं आपको पुकार रहा हूँ। अच्छा तो आपने है, लेकिन ये सरहुम को किस लिए याद किया गया? भाई साहब, नाम लेने का हक तो मुझे भी है, अगर वो तुम्हारे वालिद थे तो मेरे भी चचा जानते। जरा सुनो, क्या मुखड़ा बनाया? ए भाई, ये तुम्हारा मुखड़ा तो अपनी जान के लिए दुखड़ा हो गया है। कभी कभी कमबख्त ऐसा बेवक्त आ जाता है कि रात के 12 नहीं बजते बल्कि मेरे 12 बज जाते हैं। अच्छा सुनो, तो अर्थ किया है, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। बस बस भाई बस, तुम शायरों से तो खुदा बचाए, बातें ख्वाब की करते हैं और मतलब जागने से होता है। भाई साहब, इस मुखड़े का ये मतलब है कि तुम इसी वक्त गाड़ी लेकर उड़ जाओ और माला देवी के लेकर चले आओ। अच्छा तो आपका ये जो बेवक्त मुखड़ा हुआ है उसका ये मतलब है, ये मानिए रात के 12 बज गए, 12 घड़ी देखो आप, चाहे 50 बज चुके हों लेकिन रिहर्सल उसी वक्त होगी, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है। जाइए। क्या बेवक्त का एग्रीमेंट हो गया है? सच है, नौकरी कब चली जाए, मुखड़ा और मौत कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। जरा जल्दी आना। अरे बस गया और आया समझो। लाली, हे लाली। ओहो क्या करती करीम, हमें ख्वाब देखता, एक शहजादा होती। बस बस, हम क्या शहजादे से कम होती? उठो चलो नीचे। मगर तुम इतनी रात को जाती किधर है? तुम नीचे तो उतरो, हम काम पर जाती है, अपने शायर साहब को 12 बजे मूड आती है और साथ में हमारा भी वो 12 बजे आती है। आप कौन हैं? जी मैं खासदार को शेख करीम वल अब्दुल रहीम खान कहते हैं। अजीब कुछ भी कहते होंगे, नाम किसका रहा है, काम बताइए। अजीब आदमी है आप, घरावे मेहमान से इस तरह बात करते हैं? देखिए साहब, मैंने आपको नहीं बुलाया, आपको यहाँ आने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि 12:30 बजे किसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं। लेकिन हुजूर, पैदा होने और मरने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो हुजूर, आप इस वक्त पैदा हुए हैं या इंतकाल फरमा गए हैं? जी मैं इस वक्त एक नए गीत के पैदा होने की खुशखबरी लेकर आया हूँ, चांद साहब ने माला देवी को रिहर्सल के लिए बुलाया है। रात के 12:30 बजे? जी हाँ। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, माला नहीं आएगी रात। माफ करना, मेरे पास ये एग्रीमेंट है और क्लॉज नंबर 13 के मुताबिक रिहर्सल उसी वक्त होगी जब चांद साहब को मूड आएगा। जी हाँ। क्या झगड़ा है भैया? अजी कुछ नहीं, ये साहब तशरीफ लाए हैं, कहते हैं कि चांद साहब को 12:30 बजे मूड आया है, रिहर्सल के लिए बुलवाया। ये शरीफ आदमियों के सोने का वक्त है या नाचने का? लेकिन भैया हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रिहर्सल का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जिस वक्त चांद साहब बुलाएंगे हमें जाना होगा। रात के 12:30 बजे? हाँ। 1 बजे जब चाहे जब बुला ले। हाँ भैया, आप बैठिए मैं अभी आता। शुक्रिया। तशरीफ रखिए आप, हमारे सर पे बैठो, मेरे यहाँ बैठ जाओ, बस आराम से जगह बैठ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, सर पे जगह बहुत कम है भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? जी आपको क्या नजर आ रहा है? क्यों, क्या आपको भी नाच का शौक है क्या? जी नहीं, मैं नचाता हूँ। अरे वाह, और मैं भी नचाता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ब्रिज खेलोगे क्या? ब्रिज? अम्मा ब्रिज तो मेरा नाम है। अरे वाह, और ब्रिज अपना काम है, निकालो फिर, पत्ते आ गई है। बड़े पत्तेबाज मालूम होते हो। निकालो तो सही। माफ कीजिएगा मुझे कुछ देर हो गई, भाई साहब झगड़ने के बजाय मुझे इत्तला दे देते तो मैं जल्दी पहुंच जाती। किससे झगड़ा हुआ? करीम से? जी हाँ, वो हमारी मुश्किलों को नहीं समझते। मुश्किल आपके लिए कुछ भी नहीं, रिहर्सल आपकी मर्जी से भी हो सकती है। दरिया में बुलबुले अपनी मर्जी से नहीं नाचते चांद साहब। लेकिन
सितारे अपने वक्त पर नाचते हैं। सितारा तोड़ने की कोशिश तो करेंगे लेकिन आसमान बहुत दूर है। तो आप अपनी शोहरत और कामयाबी को कम समझते हैं? कम से कम थिएटर में नाचने को मैं अपनी जिंदगी की मंजिल नहीं समझती। आप खूबसूरत ही नहीं, आपके ख्यालात भी ऊंचे हैं। जी हाँ, जिंदगी की राहों में ठोकरे वही खाती हैं जो ऊंचे होकर चलते हैं। जिंदगी की ठोकरे, ये क्या कह रही हैं आप? माफ कीजिए, मैं कुछ आप भी से कहने लगी। देखिए रिहर्सल का वक्त खराब हो रहा है। लफ्जों में इस कामयाबी की मुबारकबाद। पब्लिक की तालियां आपकी शोहरत के डंके बजा रही। मेरी तस्वीर के बनाने में आपका ही हाथ है अशीष बाबू। आप लोगों की शोहरत ने मेरे हौसले बढ़ा दिए। मैं ये चाहता हूँ कि चांद साहब के गीतों को दुनिया में फैला दूँ। आपकी मेहरबानी साथ रही तो हमारे दिल की आवाज सारी दुनिया में गूंज उठेगी। हमने प्रोग्राम बना लिया चांद साहब, हम लोग ऑल इंडिया टूर पर जाएंगे। आपके गीत और माला के नाच से दुनिया के दिलों को जीत लेंगे। अरे वाह, फिर तो कसम है नीली छतरी वाले की, हर महीने शोहरत के साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। नहीं ये टूर क्या होती है? हाँ हाँ, ये टूर माने दूर दूर जाना।
मूंगफली गरम गरम मैं लाया मजेदार, मूंगफली गरम गरम मैं लाया मजेदार। मेरा चना है सबसे आला, इसमें डाला गरम मसाला, जो भी देखे हो मतवाला खाए इसको हर दिल वाला, अरे खाए हर दिल वाला चना जोर गरम बाबू। जिसने खाया एक बिताना आया उसको दिल का लगाना, आशिक इस पे एक जमाना, बाबू तुम भी खाते जाना, अरे तुम भी खाते जाना। मूंगफली गरम गरम मैं लाया मजेदार, मूंगफली गरम गरम मैं लाया मजेदार। चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। खालो गरमत गरम जलेबियाँ, खालो गरमत गरम जलेबियाँ, दो तेरिया तो दोने मेरिया, दो तेरिया तो दोने मेरिया, खालो गरमत गरम जलेबियाँ, खालो गरमत गरम जलेबियाँ। कैसी भरी देखो प्यार के रस में, कैसी भरी देखो प्यार के रस में, जिसको खिलाओ जी कर लो बस में, जिसको खिलाओ जी कर लो बस में। खा लो गरमत गरम जलेबियाँ, खा लो गरमत गरम जलेबियाँ। कुछ ना कहूँगी मैं चुन चुन ले जा, कुछ ना कहूँगी मैं चुन चुन ले जा, दाम नहीं हो तो दिल ही दे जा, दाम नहीं हो तो दिल दे जा। चुपो सरे गंडेरिया, चुपो ठंडिया के सरे गंडेरिया, वो खाना गरम से गरम चले बिया, खाना गरम से गरम चले बिया। कहो ला दे के तुमसे हमें प्यार रे, जो भी कहो ला दे के तुमसे हमें प्यार रे। भी कहो ला दे के तुमसे हमें प्यार रे, जो भी कहो ला दे के तुमसे हमें प्यार रे। हम
तो तारे तोड़ लाए क्या है समझा जी, हम तो तारे तोड़ लाए क्या है समझा जी, तुमको भी है प्यार हमसे कह दो इतना जी, करो तो आंखें तार रे जो भी कहो ना दे के तुमसे हमें प्यार रे। सैया राजा ला दो गले का मुझे हार रे, सैया राजा ला दो गले का मुझे हार रे। मोहब्बत की एक मंजिल नहीं होती माला। अलिफ लैला की तरह मोहब्बत की हर रात रंगीन है। दुनिया की हर जगह मोहब्बत की निगाहों में प्यारी होती है। जब सारी दुनिया सोती है तो हम जागते हैं। जब तुम मेरे पास होती हो तो हमारे पास कोई भी नहीं होता, हमारी नींद भी नहीं होती। काश हमारे पास कभी कोई भी ना हो, तुम हो और मैं। ऐसी ही तन्हाई हो, ऐसी ही प्यारी जगह हो। आज भी आसमान पे कोई तारा नहीं, जैसे तुमने सब सितारे चुन लिए हो। आसमान हमसे बहुत नजदीक आते हैं। शायद मोहब्बत ने हमें जमीन से ऊंचा कर दिया है। नमस्ते सुखन साहब, ये मनियादर कहाँ से आया? शिव चरण ने भेजा है, पूरे 250 है, 250। शिव चरण ने कहाँ से भेजा? अरे कमा के भेजा है, कोई चोरी थोड़े ही की है। परदेश में जाके बेकार नहीं रहा, तुम्हारी नजर में वो कुछ नहीं था ना। मेरा बेटा एक बहुत बड़ा शायर है। शायर क्यों नहीं, तुम्हें रुपए जो भेजे हैं, मुझे तो कुछ नहीं भेजा। तो पूछते क्यों, मुझसे कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं खरीद देती। आज तो मेरे पास बहुत से रुपए हैं। बोलो, बोलते क्यों, बोलो। मैं क्या कहूँ, मुझे क्या चाहिए। मैं तो गरीब शायर हूँ जिसे दुनिया में ये भी नहीं मालूम कि उसकी अपनी तमन्ना क्या है। मुझे उसके पैसों में से रुमाल ला देना। रुमाल? रुमाल क्यों, घड़ी खरीदो, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। घड़ी तुम अपने लिए खरीद लो, वो तुम्हें शिवचरण के आने का वक्त बताएगी। मेरी आंखों के लिए रुमाल काफी है। माला, चोरी की मुलाकातें भी कितनी हसीन होती, लेकिन चोरी कभी छिपी नहीं रहती। दिल की चोरियों को छुपना भी नहीं चाहिए। शायद में किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। हमें शायद खुद भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं। कितनी प्यारी जगह है ना, कितनी सुहानी रात है ना। मुझे तन्हाई मोहब्बत ही करनी होती है। आसमान पर चांद तो क्या, एक सितारा भी नहीं। पता नहीं सब कहाँ चले गए। दो मोहब्बत भरे दिलों को देखा और शर्मा कर छुप गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह वाह, ये क्या ठाट है। अरे बाप रे बाप, ये लाली तुम क्या बन गई। मेम साहब, आज अशोक बाबू का सालगिरह होती ना। तुम नहीं चलोगे? तुम लोग चलो, मैं वक्त पर आ जाऊंगा, मैंने भी किसी को टाइम दिया है। ये करीब हम बोलता था ना, तुम्हारी दोस्त गई काम से। अरे काम से तो हम भी गई है। जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। तुम बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे
टू यू थैंक यू। ये टोफी कितने रखी है? टोफी इनको देगा। आइए। हुजूर अब किसका इंतजार है? क्या सब लोग आ गए? करीब सब लोग आ गए। कुछ दूर से दिखाई नहीं पड़ रही। वो भी आ जाएंगे हुजूर, अब बड़े आदमी जरा देर से आया करते हैं। छाया समा सुहाना, नजरें मिलाने वाले दिल भी सजा मिलाना। जुल्फे हंसे घटाए आंखें शराब खाना, कुछ से नजर मिली क्या दिल हो गया दीवाना। छाया हुआ नशा है अपनी किसे खबर है, क्या जान मैं कहाँ हूँ, क्या जान दिल किधर है। कुछ कह रहा है तुझसे ये दिल रुबा जमाना, नजरें मिलाने वाले दिल भी जरा मिलाना। जुल्फे हंसे घटाए आंखें शराब खाना, कुछ से नजर मिली क्या दिल हो गया दीवाना। दिल में तुझे बिठा ले आंखों में आ छुपा ले, ये दूर के इशारे हमको न मार डाले। ये रात रात काना, इस तरह घूमते रहेंगे तो रात खत्म हो जाएगी। तो तुम रातों की कदर करने लगी हो? कौन अपने अरमानों की कदर नहीं करेगा माला। जिंदगी की इन चंद रातों को हम कभी न भूलेंगे। रातें तो हमेशा आएंगी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने इनका अंदाज नया कर दिया। जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और है भी क्या? हुजूर उन्हें इतनी फुर्सती कहाँ जो पार्टियों में शरीक हो सके। क्यों? आपस की बातों से फुर्सती नहीं मिलती होगी। आपस की बातें? ताज्जुब है तो हुजूर को खबर ही नहीं, सारी दुनिया को मालूम है। क्या मालूम? यही कि दोनों मिलकर घूमते फिरते हैं, अकेले में हमेशा इकट्ठे जाते हैं, कुछ लंबा प्रोग्राम है हुजूर। माला, ऐसा मालूम होता है जैसे हम कुछ भूल रहे हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। शायद तुम्हें अशोक बाबू के जन्मदिन की पार्टी में जाना था। हाँ, तुमने खुद याद दिलाया। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं, नहीं तो शिकायत करेंगे। और तुम नहीं चलोगे? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? दिल नहीं चाहता। वो शिकायत करेंगे तो माफी मांग लूंगा। फिर कल मुलाकात होगी।
माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। ज्यादा देर तो नहीं है, अब भी सवेरा है। शर्मिंदा न कीजिए, मैं जानती थी आप नाराज होंगे। जन्मदिन मुबारक हो। आप अगर खुश हैं तो शुक्रिया। ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी खुशी तो सारे स्टाफ की खुशी है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, खुशी जब हद से बढ़ जाती है तो गम बन जाती है। मैं जमाने की ठोकरे खा चुका, लेकिन आपने अभी सिर्फ कामयाबी देखी, लोगों की निगाहें बदलती नहीं देखी। हेलो, ओ चांद साहब। जी हाँ, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ साहब, शुक्रिया। डॉक्टर के यहाँ से बोल रही? डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे, इसीलिए पार्टी में नहीं आते। खैर कोई बात नहीं, आप मेरा फिक्र न कीजिए, मैं ठीक हूँ, लेकिन जरा अपना ख्याल रखिएगा, आजकल हवा जरा खराब चल रही है। जी हाँ, जरा सी भूल से नई नई बीमारियां लग जाती। अच्छा देखिए, कल सुबह ऑफिस में जरा जल्दी तशरीफ लाइए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ दादा। क्या हुआ चांद साहब को? खुद बीमार है और मेरी खैरियत पूछ रहे। रात तक तो अच्छे थे, अचानक क्या बीमारी हो गई? शायद आदमी है, शायद दिल का दौरा पड़ गया है। ये बीमारी तो खतरनाक है। जी हाँ, हर वक्त जिंदगी का खतरा रहता है, मैं खुद इस बीमारी का शिकार हूँ। मगर आप तो शायद नहीं है, ये बीमारी तो शायद शहरों को होती है। जी हाँ, शायद तो नहीं, लेकिन अच्छे शेर समझ लेता हूँ। और फिर क्या कहा जाए, दुनिया में समझदार ही क्यों होते। इसलिए मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि ज्यादा सोचना छोड़, जितना सोचोगे उतना मरोगे। डॉक्टर तजुर्बेकार मालूम होता है। चांद साहब को उसी के पास भेज दीजिए। मैं क्या भेजूंगा, वो खुद पहुंच गए। आजकल मेरा डॉक्टर चांद साहब की देखभाल कर रहा है, पास डॉक्टर होते ही दे रहे। पुराने मरीजों को तड़पता छोड़ देते हैं और नए मरीजों की देखभाल शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है अशोक बाबू, आप अपना डॉक्टर बदल दीजिए। ये नामुमकिन। अच्छा, अब मैं जल्दी चाहूंगी, आप आराम कीजिए, मैं आपकी गाड़ी में हूँ। आप ही की है, ले जाइए। शुक्रिया। हेलो। हेलो जी, मैं चांद बोल रहा हूँ। चांद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? आपने अशोक बाबू को डॉक्टर के यहाँ से फोन किया था? जी नहीं, होटल से। जी, होटल से? हाँ। ओह, तो आप झूठ भी बोलने लगे। झूठ भी तो आखिर बोलने के लिए होता है, क्या आपको नागवार गुजरा? जी हाँ, मुझे बेशक नागवार गुजरा। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं आपको इस झूठ की सजा ये देती हूँ कि आप रात भर जाते रहिए और मेरे फोन का इंतजार कीजिए। अच्छा जी, आप कहें और हम न जागें? जरूर जागेंगे।
लैला नहीं, मैं लैला हूँ। लैला? लैला? लेकिन मैं मजनू नहीं हूँ। देखिए मजनू साहिबा, नंबर गलत लग गया है, आप टेलीफोन बंद कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नंबर ठीक है, बंद नहीं कीजिए। असल में मैंने आपका ड्रामा देखा था और मैं आपको उसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। तुम एक गीत मेरे ऊपर भी लिख दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मैं गीत अपनी कॉपी पर लिखता हूँ, आदमियों पर नहीं। गीत? मैंने कब कहा मैं आदमी हूँ? मैं तो नन्ही मुन्नी सी औरत हूँ, और देखिए औरतों का दिल बहुत नाजुक होता है। हाँ क्या बात है, हमेशा टेलीफोन करते रहते हो यार। करीम तेरा फोन आया। मेरा है? वेरी गुड। हेलो, तुम कैसे शायर हो? शायर और मैं बाइक करा टेलीफोन है भाई, मेरी तरफ से तू बात कर ले। ये बात है, जवाब क्यों नहीं देते? तुम मेरे दिल पर गीत मत लिखो, मगर इसे ठुकरा तो नहीं? कौन ठुकराएगा, मगर ये तो बताइए कि आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मोहब्बत की दुनिया से आवाज दे रही हूँ, तुम मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? कैसी पुकार क्यों नहीं सुनते, वो भी सुना दे। देखिए इधर कोई जहांगीर है नहीं। हाय, इतने जालिम हो। अरे जालिम तो तुम हो, आवाज सुनाई जाती है लेकिन शक्ल दिखाने के लिए डरती हो। औरत मोहब्बत में कभी नहीं डरती। किसको फोन करती है? मैं, वो फोन तो पता नहीं किसका है। तुम जब कहो मैं अपना दिल चीर कर तुम्हारे सामने रख दूँ। अपना दिल तुम्हारे सामने रखते तो हम क्या इसके साथ इतने दिन से झक मारता है जो तुम अपना दिल इसके सामने रख देगी? बंद कर अपना फोन, नहीं तो हम तुमको भी चाकू मार देगा। चाकू? क्या मुसीबत है, चाकू मार देगा। मगर खोपड़ी खंबे पर तो मैं मारो। चल चलो। नमस्ते, आपने मुझे बुलाया था। आइए चांद साहब, कहिए अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी मेहरबानी है, पहले से बहुत अच्छा हूँ। जी हाँ, अब तो आप अच्छे होंगे। खैर आप मैनेजर साहब से मिल लीजिए। क्यों? अपना बाकी का हिसाब भी कर लीजिए और नोटिस से महीने की तनख्वाह दो। अशोक साहब, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपसे अपना जुर्म पूछना चाहता हूँ। जुर्म? आपकी वजह से मेरे थिएटर की काफी बदनामी हुई। बदनामी या शोहरत? जी हाँ, रुसवाई की शोहरत चाहिए। आप कंपनी की हीरोइन के साथ वक्त बे वक्त शहर और पब्लिक में घूमते फिरते, आप उन्होंने किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माफ कीजिए अशोक साहब, मैंने आपको अपनी जीत बेचा, दिल और जिंदगी नहीं। मैंने भी आपकी जिंदगी नहीं खरीदी, इसलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। आदमी जीत नहीं सकता तो अपनी हार को ज्यादती के पर्दों में छुपाना चाहता है। जानता है, मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं। मालिक जब चाहे मुलाजिम को निकाल सकता है। मालिक? मालिक आपको मेरे गीतों ने बनाया है। अशोक बाबू, तो आप कहिए, रिएक्शन खत्म हो गई? रिएक्शन नहीं है, मैंने सुना है चांद साहब थिएटर से अलग कर दिए गए। उनके अलग हो जाने से थिएटर के रिएक्शन पर क्या असर पड़ सकता है? जहाँ चांद होगा वहीं चांद मिलेगी, उन्हें वापस बुलवा लीजिए। उनका आना मुश्किल, जाइए आप रिएक्शन कीजिए। मैं चांद साहब के बगैर काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके थिएटर के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो हमारे साथी हैं। आगे बढ़ना खुदगर्जी है अशोक बाबू। इस गरज की दुनिया में आप कुर्बानियां ढूंढती हैं माला देवी, जहाँ लोग अपना मतलब देखते हैं, किसी का दिल नहीं देखते। लेकिन मैं जानती हूँ चांद साहब खुदगर्ज नहीं है। खुदगर्ज नहीं? उन्होंने मेरे अरमानों की माला चुरा ली और खुदगर्ज नहीं। माला चुरा ली? हाँ, उसने तुम्हें मुझको छीन लिया। चांद की चांदनी ने मेरी दुनिया में अंधेरा कर दिया। इस अंधेरे में जब मैं अपने हार के फिसले हुए मोती चुनने लगा, तुम जिस करती हो कि उसे वापस बुला लो। ये आपने क्या कह दिया अशोक बाबू, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और मेरे मालिक हैं। और तुम मेरे दिल की मालिक हो, मैं खूब समझता हूँ। चांद की वजह से तुम जो चाहे तो, लेकिन चांद से पहले तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए थी। ये आपने कैसे समझ लिया, इतनी बड़ी भूल आपसे कैसे हुई? आज की भूल गुजरे हुए जमाने की एक हकीकत है माला। आप गलत कहते हैं, मैंने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की, ना आपको कभी धोखे में रखा। माला,
ना समझी की बातें ना करो। चांदनी चार दिनों की होती है, घटते बढ़ते चांद का कोई एतबार नहीं। अशोक बाबू, रोशनी को अंधेरा कहकर सच पर झूठ का पर्दा ना डालिए। परवाना सिर्फ रोशनी से मोहब्बत करता है और औरत जिंदगी में एक ही तरह से चलती है, एक ही से मोहब्बत करती है। मैं आपका थिएटर छोड़ सकती हूँ मगर चांद को किसी कीमत पर नहीं छोड़। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद, एक शायर के लिए जिसके पास चंद खूबसूरत लफ्जों के सिवा और कुछ भी नहीं। तुम अपनी शोहरत, अपनी कामयाब, अपनी इज्जत से हाथ छुड़ा रही। मैं फिर भी तुम्हें एक हमदर्द की तरह से समझाता हूँ। चांद के पास छोटी चांदनी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। औरत बेइज्जती के साथ छुपे तो क्या मोहब्बत भी कबूल नहीं कर सकती। अपनी जबान और अपने ख्याल से फिरना औरत की बेइज्जती। आपके नाटक की तरह मेरी जिंदगी का नाटक भी चांद के बगैर अधूरा है। या तो चांद साहब इसी थिएटर में आएंगे वरना मैं भी नहीं आऊंगा। मजबूरी है मालूम। अच्छा सौदागर जानता है कि क्या चीज खरीदी जाती है और कौन सी चीज छोड़ दी जाती है। हम दो चीजें एक साथ नहीं करेंगे। आप हमदर्दी के नाम पर इंसानियत का सौदा करते हैं। मेरा जीवन कैंसिल कर दीजिए। मैं वहां काम नहीं करूंगी जहां इंसान और उसके काम की कोई कदर ना हो। माला, तुम गलती कर रही हो। दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा लेकिन मोहब्बत भरा दिल नहीं मिलेगा। मैं उसी मोहब्बत भरे दिल को ढूंढने जा रही हूँ अशोक बाबू, और आप मुझे रोक रहे हैं। आप बहुत खुदगर्ज। हेलो, किसी हुजूर। हाँ जी, है यही है। बहुत अच्छा हुजूर, अभी बैठा। ब्रज बाबू इधर आओ। हुजूर ने बंगले पे बुलाया। अभी 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 नीचे जरा खांसी की दवा भी वही मिलेगी। अबे जरा खोल के तो दे। अरे चाबी शेख के पास है, मां कहां से देखूं। जाओ ना। ओहो, मैं कहा वहां मिलेगी, सब सब कुछ मिलेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता अशोक बाबू, ये मेरी इज्जत का सवाल है। हर जगह लक इस्तेमाल नहीं करते, कहीं कहीं आकर से भी काम लेते। देखो थोड़े दिनों के लिए तुम माला को लेकर सोहनपुर चले जाओ। मैंने तुम लोगों के ठहरने का इंतजाम डाक बंगले में कर दिया है। कुछ दिन दूर रहने से इसका भूत खुद ही सर से उतर जाएगा, फिर मैं तुम लोगों को वापस ले आऊंगा। आपने बड़ी अच्छी राय दी, वरना अब तक तो मैं फांसी पे लटक गया हूं। देता हूं, लेकिन मेरी मानता कौन है। और देखो किसी को मालूम ना हो कि तुम कहां जा रहे हो, माला को भी पता ना चले। जाओ जल्दी जाओ। नहीं मालूम होगा मगर वो खांसी की दवाई जरा ये लो। शुक्रिया। हेलो, मुझे बहुत अफसोस है चांद साहब। लेकिन अब गुजरी हुई बातों को दोहराने से तो ये टेलीफोन का वक्त नहीं है, गजब हो गया है। माला, माला क्यों, क्या हुआ। तुम्हें नहीं मालूम मुसीबत का पहाड़ सर पे टूट पड़ा है। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ चलूँ। हेलो माला, तुम आओ तो सही, मैं बताता हूँ। तुम बताओ ना। बाहर बताऊंगा ना, चलो ना। ओह तुम तो बताऊंगा। क्या सोच रहे हो भाई। सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी अधूरी। क्या मतलब। नौकरी अधूरी, मोहब्बत अधूरी, जिंदगी की हर बात अधूरी। मगर हुआ क्या, मेरी नौकरी खत्म हो गई। बस इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। नौकरी खत्म हो गई तो हो जाए, हम अपना कारोबार अलग से शुरू कर देंगे। ठीक, मैं अशोक बाबू को तो चैलेंज दे ही आया हूँ। जब तक जिंदगी बाकी है मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। ये अब बात हुई ना। हेलो, कौन। माला, मैं माला बोल रही हूँ। तुमने बात करते करते टेलीफोन क्यों कट कर दिया। इसलिए कि तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब तुम्हारी नौकरी भी खत्म हो गई, मैं किस भरोसे से तुमसे मोहब्बत करूं। माफ करना चांद, अशोक बाबू मेरा हर तरह। माला, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश ना करना। तुम जा सकती हो।
क्या हुआ? खैरियत तो है? उम्मीदों ने दम तोड़ दिया कहीं। नौकरी के साथ जीने का सहारा भी खत्म हो गया। यार आज का दिन तो मुझे बहुत ही मजबूत मालूम होता है। खैर खुदा पर भरोसा रखो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। भैया ये देखा तुमने? क्या? सलाह को किसी अशोक की जरूरत नहीं, चांद अपनी रोशनी से चमकता है। अरे डूबते हुए चांद का क्या भरोसा, आज चमक रहा है कल रात फिर अंधेरा। ऐसा ना कहो, हजार अंधेरी रातें चांद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसकी रोशनी छिनेगी तो कुछ काली हो जाएगी। मगर तुम्हें चांद से इतनी हमदर्दी क्यों? तुम ये नहीं जानते, मुझे उसके सहारे की जरूरत। उसका सहारा जो दूसरों के सहारे का मोहताज है? तुम्हें नहीं मालूम कि अशोक बाबू की नजरों से गिरकर वो कहीं का नहीं रहा। अशोक बाबू उसे क्या गिरा सकते हैं? अगर वो चांद को गिरा सकते तो खुद उसके गीतों के बगैर क्यों नहीं बुलंद होते? अशोक बाबू को बुरा न कहो माला, वो हमारे मालिक है। अशोक बाबू को इसलिए बुरा न कहूँ कि वो तुम्हें पीने के लिए शराब और जुए में उड़ाने के लिए मेरी तनख्वाह देते हैं? मैं चांद साहब का खेल देखने जरूर जाऊँ। खैरो माला, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, ताकि मैं तुम्हें चांद साहब से अलग कर दूँ और बदनामी और सफाई की जिल्लत से बचाऊं और तुम्हें मोहब्बत के नाम पर बात की तरफ जाने से रोक। माला, ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जबान जल जाती तो अच्छा, मैं जरूर जाऊंगी। माला, तुम इतनी आजाद नहीं हो कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चांद से मिलने चली जाओ। मैं ये बेइज्जती कभी गवारा नहीं कर सकता। भगवान की कसम, अगर तुमने दोबारा ये कोशिश की तो याद रखो तुम्हें चांद की खाक भी नहीं मिलेगी। चली जाऊंगा, मैं कहता हूँ चली जाऊंगा। जाऊंगा मगर लोग टिकट खरीद चुके हैं। थिएटर हमने जो खरीदा है। आपने खरीदा है? जी हाँ। ये क्या 400 है? चांद साहब मुंह संभाल के बोलो, तुमने हमको अपना गीत बेचा, हमने अपना थिएटर बेचा। मगर लोग जो इंतजार कर रहे हैं हाँ, उनका ख्याल हम रखेंगे और तुम इनका ख्याल रखो। और करीब चल मगर भोगी लिए चार दू आज की दुनिया के शहदाइयों, अब आप इस इंतजार में होंगे कि अभी अभी पर्दा उठेगा और एक लड़की छम छम नाचती हुई आएगी और अपने नैनों से तीर चलाएगी, उधर से एक लड़का गीत गाता हुआ आएगा, दोनों मिलके गोल गोल नाचेंगे। मगर हुजूर क्या करूं, उनके बदले में मुझे हाजिर होना पड़ा। तो वो बगला भगत जिसे आप चांद साहब कहते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, वो चांद साहब इस वक्त एक वैशा के कोठे पर शराब पिए हुए पड़े। ईमानदार जी, मैं चांद बोल रहा हूँ। आप दुनिया भर की झूठी खबरें मेरे खिलाफ छाप सकते हैं, लेकिन आप मेरी तकदीर नहीं बिगाड़ सकते। क्या अशोक बाबू की वजह से मजबूर हैं? तो फिर अपने अखबार का नाम बेईमान रख लीजिए, झूठ रख लीजिए, मक्कार रख लीजिए। दौलत ने ईमान भी खरीद लिया और ईमानदार भी। उस्ताद बेकारी बहुत बुरी चीज है, आदमी कभी कम तो नहीं रहता। कहा है सरदार जी, बेकार आदमी फटे हुए ट्यूब की तरह होता है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि ट्यूब का पंचर फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन बेकारी का पंचर नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता, बेकारी तो अलग है और उधर अशोक बाबू ने सारे दुनिया में रुस्वा मुझे अलग कर दिया। अरे वो क्या रुस्वा करेगी, तुम्हारी गीत उधर नहीं होगी तो वो खुद रुस्वा हो जाएगी। ए, मेरी समझ में एक चीज आई है। आपकी समझ में? ताज्जुब की बात है, फरमाइए। ये हमारी यूनियन का एक गैरेज है, तुम उसमें खेल करो। गैरेज में और खेल? तुमने देखा नहीं है, बहुत बड़ा गैरेज है, 150 गड्डी आ रहे उसमें, 150 गड्डी। ठीक है सरदार जी, तुम इंतजाम करो, बेकार बैठने से तो यही अच्छा है कि हम लोग गैरेज में खेलते हैं। करीम तुम ड्रेस और पर्दे का इंतजाम करो। अच्छी बात।
शिवचरण की माँ, शिवचरण की माँ इधर आओ, इसे पढ़ो तो। कितनी अफसोसनाक बात, ऐसा तो ना था। मुझे भी ये ख्याल न था कि वो इतना गिर जाएगा, लेकिन वहां उसे रोकने वाला कौन है? जो जी चाहता है करता है। मुझे तो किसी दुश्मन की कार्रवाई मालूम होती है, होनहार आदमी के दुश्मन ज्यादा होते हैं। जब तुम्हारा नाम हुआ था तो लोगों ने किस किस तरह तुम्हें बदनाम किया। फिर भी किसी में हिम्मत न थी जो मुकाबले पर आकर कुछ कहता, अखबारों में छपना तो बड़ी बात है। परमात्मा जाने किस चक्कर में पड़ गया है। मैं तो कहती हूँ तुम खुद चले जाओ, अपनी आंखों से देख लेना और हो सके तो उसे साथ लेते आना। सुनकर तो खून खोल रहा है, अपनी आंखों से किस तरह देख सकूंगा? उसी के हाल पर छोड़ दो, जैसा बोया है वैसा ही काटेगा। नहीं नहीं, इतने कठोर न बनो, खोटा पैसा भी समय पे काम आता है। उसकी भूल को माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा चांद मुझे वापस ला दो। अगर वो ना आया तो? मुझे उसकी खैरियत ही मालूम हो जाए। ये उसकी खैरियत की तो पड़ रही हो, सारी दुनिया को उसकी खैरियत मालूम हो चुकी है। दुनिया के तो करोड़ बच्चे हैं, किस किस का ख्याल करे। मेरा तो एक ही बच्चा है, मैं दुनिया जैसी कठोर माँ नहीं हूँ। मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा बच्चा ला दो, मेरा बच्चा ला दो। अच्छी बात है, मेरा सामान तैयार करो। आइए शिव बाबू। नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल? बस सब ठीक है। इस महीने की तनख्वाह पहुंच गई थी ना? जी हाँ, मिल गई थी। कांति का क्या हाल? बस अभी अभी खत्म हुई। ये लो मैं ले आया। बड़ी मेहरबानी, आपको कितना ख्याल रहता है मेरा। माला कहाँ? अंदर कमरे में हूँ। हेलो, क्यों आए हैं आप? दिल नहीं माना इसलिए चला आया, बार बार देखने पर भी दोबारा देखने की हवस नहीं जाए। आप ये सहमत ना उठाए कीजिए, मैं अब आपके क्षेत्र की नौकर नहीं। लेकिन आपके भाई साहब तो आपकी इस महीने की भी तनख्वाह ले चुके। तनख्वाह ले चुके हैं? जी हाँ, आप हमारी कंपनी की परमानेंट मुलाजिम। मैं आपसे यही पूछने आया था कि शो कब रखा जाए। कभी नहीं, मैं आपके क्षेत्र में ही नाचूंगी। लेकिन इस तरह से नुकसान कैसे पूरा हो? आप नाचने के लिए तैयार नहीं, उधर चांद साहब मेरे मुकाबले में बार बार शो रख रहे हैं। ये देखिए अखबार। मुझे सब हाल मालूम है। फिर मेरा ख्याल है कि आप अपना फैसला करने में कोई मुश्किल ना हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि आप चांद साहब की जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी को भी नाकाम कर दी। आपको गरीबों की जिंदगी से खेलने की आदत हो चुकी है। आप रोशनी मिटाते हैं, अंधेरे से खुश होते हैं। आप शरीफों को रुसवा बदनाम करके अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। इस हमदर्दी का शुक्रिया। शायद आपको खबर ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी शराफत की तरह आपकी फलाई और हमदर्दी भी मिट चुकी है। आप सब कुछ भूल जाइए, आप माला को किसी वादे पर नहीं खरीद सकते। जाइए, तशरीफ ले जाइए।
चुके हम तुम्हारी मोहब्बत नजर मेरी नींदों में सुन मेरे ख्वाबों में सुन हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत नजर मन किसी ना के घूम तमन्ना को नहीं बुलाता मोहब्बत कभी झूठ नहीं बोलती मोहब्बत कभी शिकायत भी तो नहीं करती तो फिर मेरी जिंदगी वीरान क्यों कर दी थी ये मेरी तकलीफ से पूछो माला तुमने मुंह फेरा तुम्हारे गीतों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया था मेरी दुनिया कितनी अंधेरे थी जैसे इतनी रातों तक आसमान पर कभी चांद ना निकला हो तो फिर तुमने फोन क्यों किया था कि मैं तुम्हें भुला दूं कभी याद न करूं मैं तुम्हें किस तरह फोन कर सकती थी मुझे तो सांस लेने की आजादी भी नहीं तुम नहीं जानते मैं कितने तूफानों से गुजर कर तुम्हारे पास आई पार लगाने के लिए या डुबोने के लिए डूबना हुआ तो साथ ही डूबे मैं सारी दुनिया को ठुकरा कर तुम्हारे पास आई हूँ जान अब तुम मुझे निकालोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी माला मैं गरीब शहर हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं क्या तुम मेरा साथ दे सकोगी क्या मैं बहुत थक गई हूँ मुझे सहारा दो माला
दुनिया कैसे कैसे शरीफ बुजुर्गों की है, कोई दिल लूटता है, कोई जिंदगी लूटता है। बिल्कुल ठीक कह रहे, तरक्की करने वाला एक होता है और उसके दुश्मन हजार होते हैं। सच कहता हूँ, लोग तुमसे जलते हैं, मगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। शायर कमबख्त तो कदम कदम पर खुद लूटता है, उसे लूटने से क्या हासिल है। चांद, मारने वाले से बचाने वाली बहुत जबरदस्त है, एक दिन वो तुम्हारी बदला जरूर लेगी। 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर होती है भाई साहब। वो मुझे मार डालते, मुझे अफसोस है, मगर वो लोग माला को क्यों उठा ले गए ये हमको तो पता नहीं चले। आने तो किसी की क्या मजाल जो माला को हाथ से भी लगा जाता। अरे देखो सुना है, ये तम सहरो हम जाता है। बैठो सरदार जी, बैठो। क्या है भाई? डिग्री है। नौकरी? भाई देखो आजकल हमारे यहाँ करके नौकरी वोकरी है नहीं। नौकरी नहीं साहब, खुड़की है। खुड़की? अरे खुड़की नहीं, करकी भाई, करकी। आजकल हमारे पास काम नहीं है, माफ करो, फिर कभी आना। माफी अदालत से मांगना। तुम कौन हो? भूल गए, नाटक के लिए पर्दे लाए थे। अच्छा तो आप हैं, आपकी कार्रवाई है ये? जी। ओ, आपको क्या तकलीफ है? अब तो आपका शो हो गया साहब। अरे भाई शो तो हो गया, मगर पैसे नहीं मिले। जो कुछ मुझे वहाँ से मिला है आपको दे दूँ? मगर हमें तो हमारे रुपए चाहिए। ओप्पो रुपयों के लिए चांद साहब ने टेलीग्राम कर दिया है, मनी ऑर्डर आती होगी। अरे मनी ऑर्डर हम नहीं चाहते, नाटक वालन के भरोसा का। सनी देर में पुलिस, सनी देर में राजा। बंद करो तुम्हार बैंड बाजा, अब भाई लाई का सिपाही तो जल्दी हम खा रहे। खाड़े रहो। कौन है? जल कौन है? कर्जा तो अदा होना ही चाहिए। अच्छा तो तुम ये सब सामान बेचकर उनका कर्जा चुका दो। लेकिन इस पर भी डिग्री हो चुकी है, कुर्की वाले साथ आए हैं, बेचेंगे क्या खाक? हाँ भाई, आर्टिस्टों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं, मगर उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? अब तो एक ही तरकीब है, पिछले दरवाजे से खिसक चलो। भाई लोगों ने घर देख लिया है। तुमने ठीक कहा साथ, तुम पिछले दरवाजे से चलो, मैं सामने के दरवाजे से टकली लेके आता हूँ। चलो चल चल चल। कहाँ जाना चाहती? मुझे यहाँ रोक रखने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, तुम आजाद यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुमसे हो सके तो मेरे दिल से भी चली जाओ। आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहते हैं, मेरी मजबूरियों को अपनी ताकत और इख्तियार का खिलौना बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मोहब्बत का इंतकाम तो मोहब्बत के लुटेरों से लिया जाता है, और मैं उससे अपनी इस नाकामी का बदला लूंगा। अब क्या बदला लेंगे आप? उसकी बनी बनाई किस्मत को आपने बिगाड़ दिया, उसकी तरक्की और शोहरत को आपने खाक में मिला दिया। मैंने नहीं, तुम्हारी जिद ने उसे बर्बाद किया। तुम अगर मेरा कहा मानती तो चांद इस तरह दुनिया में रुतबा ना होता। चांद की सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो माला। मैं? हाँ तुमने, तुमने उसे तबाह किया, तुमने उसकी जिंदगी को अपनी मोहब्बत का शिकार बना ली, तुमने दो बेहतरीन दोस्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। आज भी चांद से हमदर्दी है। लेकिन चांद ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था अशोक बाबू, अपना हक उसके दुश्मन हो गए। आप दौलत की तलवार से 2 दिलों को काटना चाहते? नहीं, सिर्फ एक दिल। जिसने मेरे अरमानों का खून किया है वो इसी तरह मिटता रहेगा, और तुम इसी तरह उसे अपने हाथों से बर्बाद करके उसके लिए आंसू बहाती रहोगी। ऐसा न कहिए अशोक बाबू। अब भी वक्त है माला, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सोच। सब कुछ तुम्हारे अख्तियार में, चांद की शोहरत, चांद की कामयाबी, चांद की जिंदगी। इतना मजबूर कर देने के बाद आप कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अख्तियार में? हाँ सब कुछ, चांद की चांदनी भी और चांद का अंधेरा भी। मैं चांद के लिए सब कुछ कर सकती। तो फिर अपनी जिद छोड़ो, अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो उसे तरक्की करने दो। अगर आज भी तुम्हारी ना हाथ से बदलती तो मैं वायदा करता हूँ कि एक बार फिर उसे अपमान तक पहुंचा दूंगा। चांद फिर चांद होगा, उसके गीत फिर से मशहूर होंगे। अपने दिल की खुशी के लिए तो बढ़ते हुए शहर को कुर्बान न करो। मैं उसकी जिंदगी की राहों से हट जाऊंगी अशोक बाबू। भगवान मुझे बर्बाद करके उसे आबाद करके। करीम, अब हम क्या कर सकते हैं? हिम्मत मत हारो, हम अब भी सब कुछ कर सकते हैं।
जिंदगी के सारे हौसले मिल गए। मैं शोहरत की इंतहाई बुलंदियों से गिरकर आज फिर इस गैरेज में आ गया। तुम भूल रहे हो चांद, तुम शोहरत की बुलंदी पर इसी गैरेज से पहुंचे थे और इस गैरेज से हर चीज आगे बढ़ती है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ, हम थिएटर की तरफ। मैं सच कहता हूँ चांद, ये गैरेज बहुत लकी है। ये मुझे कहाँ ले आए? लाली सिंह, तम पम पम मत किया करो भाई। ये कौन होती? चांद का बाप है। चांद का बाप? हाँ। ऐसा मत जाओ अभी। क्यों? वो बाप बेटा को बातें करने दो। चाचा जी सर, बाबूजी आपने आने की सलाह नहीं दी। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रंग में देखना चाहता था, इसलिए सलाह नहीं दी। और मैं तो आना भी नहीं चाहता था, तुम्हारी माँ ने मजबूर करके भेजा है। ममता के सिवा दुनिया में कोई रंग एक हालत पर नहीं ठहरता बाबूजी। हाँ, कम वक्त दिल नहीं बदलता, मगर दिल के टुकड़े बदल जाते हैं। मैं नहीं बदला बाबूजी, किस्मत बेशक बदलती रही। कभी उछाल कर आसमान पर भेज दिया और कभी हाथ बढ़ाकर जमीन पर खींच लाए। और बदलना किसे कहते हैं? कामयाबी की राहें बदल गई, दुनिया की नजरें बदल गई, जमाना बदल गया। दुनिया का असली रंग इंकलाब है बाबूजी। जो आज है वो कल न होगा, ठिकाने बदलते ही रहते हैं। ठिकाने बदलने पर भी परदेश की राहें घर की तरफ तो नहीं मुड़ी? दुनिया में घर की तरफ उनकी राहें मुड़ती हैं जो हिम्मत हारते हैं। एक शायर की नाकामी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ती बल्कि उसका दिल बढ़ाती है। दिल का भरोसा न करो शिवचरण, ये दुनिया में आदमी को रुसवा कर देता है। तो रुसवाई के दाग किसी वक्त भी धोए जा सकते हैं। तो आखिर इन दागों को कब तक धोते रहोगे? जब तक दुनिया को नजर आते रहेंगे। किस्मत आदमी को धोखा दे सकती है, लेकिन भगवान आदमी को धोखा नहीं देता। वो हमें एक दिन हमारी मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा। तब तक तुम्हारी माँ अपने आंसुओं में डूब जाएगी। औलाद की तकदीर माँ के आंसुओं से ही चमकती है बाबूजी। करीम, ये चांद साहब अपने बाप से झगड़ती क्यों है? ये तेरी समझ के बाहर है, बाप बेटे का मामला है। मेरे अर्जीदार खान साहब कैसे हो? करीम कैसी? ठीक है, ठीक है। चांद साहब कहाँ? अपने बाप के पास। हाँ माँ, मजाक मत करो, सच बताओ। मजाक कौन करता है, हम तो सीरियस हैं। सीरियस है? हाँ, पेटगन चांददास, आइए आइए। ये है करीम खान। करीम खान, ये शेरगन श्यामदास, और ये चाहते हैं कि चांद साहब इनका थिएटर चलाए। अच्छा, और आप फिर इनका थिएटर कब खरीदेंगे? नहीं नहीं खरीदेंगे, बताइए शेरगन साहब। हम अपना थिएटर बेचने वाले नहीं है, हम खुद चलाएंगे। अच्छा भाई, पैसे लाए उन्हें? कितने? 1000 रुपए। ये लो करीम खान, 1000 रुपए एडवांस। मगर क्या इरादा? क्या इरादा? नेक पैसे दे दे। लाली कितनी समझदार है ना, कल सुबह 9 बजे बांद्रा थिएटर में पहुंच जाना। अच्छी बात है, कल रात को शो है। ओके, कल टाइम से आ जाइए। अरे बिफोर टाइम आएगा। अच्छा करीम खान वो ये देखो किस शुरुआत से थाली कही थी। अरे कैसी कहा की गलेमान हुई गया, पैसा दे दूसरे। हमारे पास पैसा नहीं रहा, इस वास्ते यहाँ गुल हुई गए रहे। अब तो है तो अरे तीर समुदाय जो हमका पैसा नहीं दे रहे। कितना होता है? 45 रुपए तीन ने दू पाई। पानी का कितना दूध था? कितना अलग अलग हिसाब बताओ हमका। राम दो बाबू जी, हम पानी में दूध सबों नहीं मिला, और कभी कभी पानी में दूध मिला ली। पानी में दूध तनी सब हो बहुत यार दिखाई दे रहा है। फिर कागज में नोट मिलाई थी। तो घर चलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो? नहीं, मगर उस बदनसीब औरत से मैं क्या कहूंगा जिसकी ममता तुम्हें पुकार रही है, जिसकी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। कह दीजिएगा मेरे बारे में अखबार में जो कुछ भी छपा सब झूठ। जब तक मैं ये झूठे दाग अपने दामन से न धो लूं, घर वापस नहीं जाऊंगा। ये देखो, धोबी बनने का वक्त आ गया है, जिसने दाग धोना है धो लो।
क्या मतलब? मतलब ये कि एक सेठ आया था, 1000 रुपया दे के गया है, कल शो करना है, सब कर्जे वालों को चुका के ये बचा है। तो फिर आज शाम की गाड़ी से मैं चला जाता हूँ। आप शो देख के जाइए ना। तुम्हारे शो में क्या लिखा है? हमारे आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, कामयाबी की हसरतें हैं, हमारी मंजिल की राहें हैं बाबूजी। आप शो देख कर ही जाइएगा। ठहर जाइए ना। अच्छी बात है, मैं ठहरा जाता हूँ, ये भी देख लूंगा कि इस मैदान में तुमने कितनी तरक्की की है। हवा पिछले पहर जब दूर सहनाई बजाती है, मुझे एक बार फिर अपनी मोहब्बत याद आती है, मुझे एक बार फिर अपनी मोहब्बत याद आती है, मुझे एक बार कर मुँह से मुँह साहिल से जब मौजें गुजरती हैं, मिला कर मुँह से मुँह साहिल से जब मौजें गुजरती हैं, मेरे सीने में मुद्दत की दबी चोटें उभरती हैं, मेरे सीने में मुद्दत की दबी चोटें उभरती हैं, मुझे एक बार फिर अपनी मोहब्बत याद आती है, मुझे एक बार धड़कते दिल में फिर से प्यार के अरमान उठते हैं, धड़कते दिल में फिर से प्यार के अरमान उठते हैं, चले आओ के दिल में सैकड़ों तूफान उठते हैं, चले आओ के दिलों तूफान उठते हैं, अरे तूफान उठते हैं, अरे तूफान उठते हैं। मैं तुम्हारे पास, तुम मुझे पुकार रहे थे ना, देखो मैं आ गई, आंखें खोलो, अब दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकेगी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ नाचूंगी, हमेशा तुम्हारे लिए नाचूंगी, हमेशा तुम्हारे गीतों पे नाचूंगी जान, तुम्हें मेरे आंसुओं की सौगंध, आंखें खोलो जान। ये क्या हुआ? सब पाबंदियां टूट गई, अकल और दौलत की तमाम ताकतें खत्म हो गई। अरे सरकार आप इशारा कीजिए, अभी इस देश से पटल कर खरीद लाऊं। नहीं, मोहब्बत दिल की दौलत, और मैं आजमा चुका हूं कि ये किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें पे नाज मेरा, अरे मैं तुमसे फिदा।
वफा का अपनी किला हमें तो आज मिला है अब मजा ही मजा रहा न कोई गिला है अब मजा ही मजा रहा न कोई गिला है खुश नसीब जिसे दिल का प्यार मिलता है खुश नसीब जिसे दिल का प्यार मिलता है ये बात सच है कि दिल एक बार मिलता है बाबूजी, भई ये तेरे चलने वाले सिक्के ही ठीक हैं। मुबारक हो। शुक्रिया बाबूजी। ये है माला, मेरी तरह ये भी आपके आशीर्वाद की हकदार है। जीते रहो, मुझे तुम्हारी पसंद कबूल है। परमात्मा तुम दोनों को सुखी रखे, सदा फूलो फलो। आओ चाचा जान, लगे हाथों आना, लगे हाथों हम दोनों को भी आशीर्वाद। ये लड़की कौन है भाई? ये लाली मेरी होने वाली घर काम करना। सलामत जीती रहो, मुबारक हो, आबाद रहो। आता हूँ।